ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये हम लोग उसमें रेडॉक्स के साथ कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने आप में बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, मैं बार बार आपसे कहता जा रहा हूं। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है साई स्क्वायर, और वो रीजन जहां पर साई स्क्वायर वैल्यू मैक्सिमम हो, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसी रीजन को बोला जाता है ऑर्बिटल। कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं भाई सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, एक बहुत ही आसान सा चैप्टर। यस, कुछ जगह पर एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बात एक ही है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पूरा एक बार में कंप्लीट किया था। यस, और आज हम लोग एक ही सेशन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आप लोगों के कुछ डाउट देख रहा था, कुछ मैं कॉमेंट्स देख रहा था, कुछ बच्चों ने लिखा कि सर कुछ टॉपिक्स हैं जो उसमें मिसिंग है। अब उनमें से कुछ टॉपिक मिसिंग मैंने जानबूझ के रखे हैं, जैसे मैं आपको बोल ही चुका हूं नॉर्मैलिटी वगैरह, इन ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये हम लोग उसमें रेडॉक्स के साथ कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा साहब परसेंटेज प्योरिटी नहीं करवा रखी, परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन करवा रखे हैं दो तीन, है ना। अब उसमें हेडिंग नहीं लिखा हुआ था, बस परसेंटेज प्योरिटी, है ना। तो आप सेशन देखोगे परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, परसेंटेज यील्ड उसके क्वेश्चन करवा रखे हैं, होमवर्क भी दे रखे हैं परसेंटेज यील्ड का। हाँ, बात यह है कि उसका अलग से टॉपिक नहीं लिखा हुआ है ना, एक्चुअली वो अलग से टॉपिक है ही नहीं, उनको टॉपिक बना दिया गया है, अलग से कोई टॉपिक नहीं। और क्योंकि हमारे पास टाइम का लिमिटेशन होता है, एक चैप्टर है उसको मुझे खत्म करना है विद इन 3 आवर्स या फिर 3.5 घंटे में, तो ऑब्वियस है मैं एक्सटेंसिवली आप किसी चैप्टर को उस तरीके से पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये वैसे भी ये बैकलॉग सीरीज है, आप लोगों को बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए है ना। हाँ, तो पूरा अगर आपको डिटेल देखना, कुछ लोगों ने कहा सब सर मंजिल की तरह पढ़ाई, मंजिल सीरीज बेटा हमारा वो अलग सेगमेंट है, मंजिल वाला सेगमेंट अलग है, वो वन शॉट सेशंस होते हैं जिसमें हम लोग 8-10-12 घंटे की सेशंस देते हैं, वो अलग चीज है, वो एग्जाम से जस्ट पहले होती है। यस, ये वो वाला चीज नहीं है, ये डिफरेंट है, इसमें हम एक कंसाइज वे में एक चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो भाई यही चीज सोच के हमें सेशन को कंप्लीट करना होता है, ठीक है, डन। तो मेरे हिसाब से अब सेशन को स्टार्ट करना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब तक ये सेशन ना हो जाए भाई, एक जगह एकदम बढ़िया ढंग से टिका के बैठे आप लोग, पानी वानी जो भी आप लोगों को पीना है वो ले लें अपने साथ में, और सेशन पूरा देखें, है ना। मजा आपको सेशन में तभी आएगा और तभी पता लगेगा कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक छूटा है, कौन सा नहीं छूटा, नहीं तो लास्ट में कॉमेंट कर दो ऐसे छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, है ना। ठीक है, डन, करें फिर स्टार्ट करें सेशन को। आइए साहब, ये जो सेशन है क्या क्या करने वाले हैं, ये तो ठीक है, चलो मैंने नाम लिख दिए हैं, लेकिन आज का जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट है कि पूरा चैप्टर को हमें बहुत बढ़िया ढंग से खत्म करना है। ऑलराइट, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, देखो यार इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज आती है कि जब हम लोगों ने बात करी हो, आप लोग छोटे थे है ना, तब कक्षा 9th में आप लोग पढ़ते थे डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। सबसे पहले डॉल्टन भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि यार जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, एटम को और ज्यादा आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है मैटर का वो एटम होता है। फिर लोग आए, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई, लोगों ने बोला ना एटम से भी छोटा कुछ और पार्टिकल प्रेजेंट है, और वो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोगों ने नाम दिया क्या, मतलब हम लोगों ने नहीं, जिन लोगों ने भी नाम दिया उन्होंने क्या नाम दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऑर्बिटल क्यों लिख रहा है भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है दादा। ऑलराइट, अच्छा सर सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो खूब सारे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, वो है भैया इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद है प्रोटॉन, और फिर उसके बाद है न्यूट्रॉन। यस, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। चलिए फिर आते हैं और पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए, क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। आप लोगों को बताइए, जे.जे. थॉमसन भाई साहब थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्स कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और वहां से उन्होंने इस पार्टिकल के बारे में पता लगाया था, ठीक है ना। तो ये कैथोड एक्सपेरिमेंट ट्यूब क्या होता है, देखो आपके आपके सामने एक ग्लास की ट्यूब है। यस, इस ग्लास के ट्यूब के अंदर आपने एयर फिल कर रखी है, लेकिन एयर जो है वो बहुत कम प्रेशर पे होनी चाहिए, लो प्रेशर पे, और लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहां पर वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर आपने क्या कर रखा है, कैथोड एनोड 2 इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, और बहुत हाई वोल्टेज, एक हाई वोल्टेज वाला बैटरी यहां पर आपने लगा रखा है, ठीक है ना। और इन कैथोड, इन दोनों कैथोड और एनोड के बीच आपने फिल कर दिया क्या, एक कोई गैस फिल कर दी,
ठीक है, क्या किया आप लोगों ने, एक गैस फिल कर दी, ठीक है। और जैसे आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, क्या चीज नोटिस करी आपने, क्या किया उसने, क्या किया था, ये जो एनोड है, इस एनोड के अंदर छोटे छोटे होल कर दिए, है ना, छोटे छोटे से परफोरेटेड, है ना, छोटा होल कर दिया। तो उसने एक बहुत शानदार चीज नोटिस करी, उसने एक शानदार चीज नोटिस करी, और यहां पर उसने क्या किया, ये जो एनोड है इसके जस्ट पीछे एक ZnS सब्सटेंस होता है, जिंक सल्फाइड, उसकी कोटिंग कर दी। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसपे अगर कोई पार्टिकल आके हिट करता है तो वो चमकता है भैया, ग्लो करता है ना। तो यहां पर क्या हुआ, उसने एक चीज नोटिस करी कि जैसे ही उसने सर्किट कंप्लीट किया तो उसको यहां पर ग्लो दिखाई दिया, यहां पर, है ना। तब उसने सोचा यार कुछ लफड़ा है, है ना, यहां ग्लो तभी आ सकता है जब कोई एक पार्टिकल आए एक सर्टेन वेलोसिटी से आके इसको हिट करे, है ना। और वो जो पार्टिकल रहा होगा, उसने बोला यार ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है, एनोड की तरफ आ रहा है, और एनोड जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल रहा होगा उस पर चार्ज कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, है ना। और यही जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यही जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा था, इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की रेस थी, है ना, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल गोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, उसको नाम दिया गया कैथोड रेस। क्या नाम दिया गया जी, कैथोड रेस बोला गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बोलेगा साहब ये कैथोड रेस आती कहां से है, ये कैसे जनरेट हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहां से आया। तो जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस थी, यस, यहां पर आपने एक बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, हाइड्रोजन जो होगा वो H की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और ये जो है हाई वोल्टेज की वजह से H प्लस प्लस E माइनस में टूट जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, यस, क्या हो जाएगा बेटा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयोनाइजेशन नहीं भाई, आयोनाइजेशन बताओ, अरे आयनाइजेशन हो जाएगा, है ना, आयनाइजेशन का मतलब आयंस में टूट जाएगा, जो हाइड्रोजन एटम था बेटा वो H प्लस और नेगेटिवली, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा। आज हम लोग इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, यस। और यही जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इधर से इधर की तरफ मूव करता है, और इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की रेस को नाम दिया हमने क्या, कैथोड रेस, क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो कहां से आ रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, यस। अब सोच के देखो, अगर मान लो आपने हाइड्रोजन गैस फिल ना करके ऑक्सीजन गैस फिल कर दी, तो भैया ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये तो सेम ही रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना, इसका चार्ज सेम रहेगा, इसका मास सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। मतलब ये है कि अगर यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस फिल करते हो, तो ये जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी सेम होती, कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन की रेज, और चाहे गैस कोई सी भी हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ना यार, उसका मास, उसका चार्ज, सब कुछ सेम रहता है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ चुकी है, यस। तो एक बहुत ही, यहां पर अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात देखें, प्रॉपर्टीज की बात देखें कैथोड रेज की, तो एक बहुत शानदार चीज लिखी है कि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ गैस, है ना, गैस कोई सी भी ले लो प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि ये जो कैथोड रेज होती है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड ट्रेवल करती है ना, और अगर इनके रास्ते में कोई आप एक टारगेट रख दो तो ये उसकी शेडो बना देगी, यस। इनका जो डेविएशन होता है, डेविएशन कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ऑब्वियस ही बात है ना। ये जो एनोड रेज होगी उन पे चार्ज कैसा रहे, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ ये डेविएट होती है, उसकी तरफ ये डेविएट होती है प्लेट की तरफ, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनके रास्ते में एक कोई छोटा सा हल्का सा पैडल व्हील रख दो, तो ये जो कैथोड रेज होती है क्या करती है, उस पैडल व्हील को घुमा देती है ना। इससे पता लगता है कि ये जो कैथोड रे का पार्टिकल है इसका अपना एक मास, एक सर्टेन वेलोसिटी से आके उसको हिट कर रहा है, अपना कुछ मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर रहा है, और उसकी वजह से वो जो व्हील है वो क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, यस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी, देखो यहां पर दिखाया भी गया है कि जब यहां से कैथोड रेज आ रही हैं, अगर आप इनको एक प्लस और माइनस प्लेट लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपकी जो कैथोड रेज है वो किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है। तो यहां से पता लग गया कि भाई ये जो पार्टिकल है इस पे चार्ज कैसा रहा है, नेगेटिव रहा है, ठीक है ना, इस पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव था। अच्छा, अगर हम लोग चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है माइनस
-1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, और जो मास होता है इसका 9.1 × 10⁻³⁹ केजी होता है ना। दिस इज योर एब्सोल्यूट चार्ज एंड एब्सोल्यूट मास, है ना, ये इसका चार्ज और मास होता है। अब देखो, जैसे ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हुआ, तो भाई कॉमन सेंस की बात है, जब आपका एटम आयोनाइज हुआ था तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बना था, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना था। अगर आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा। यस, कहां से कहां की तरफ मूव करेगा? एनोड से कैथोड की तरफ। यस, तो आज ये जो पार्टिकल्स की रेज हैं, जो कहां से कहां की तरफ मूव कर रही है, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही है, इन रेज को नाम दिया गया था क्या? एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। क्या बोला गया इनको? एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। और ये जो रेज हैं, इनमें जो पार्टिकल रहा होगा उस पे चार्ज कैसा रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? यस। और अगर मान लो आपने इसमें हाइड्रोजन गैस फिल करी, अगर आपने इसमें हाइड्रोजन गैस फिल करी, तो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है H प्लस, इसको बोला जाता है प्रोटोन। यस, इसको क्या बोला जाता है बेटा? प्रोटोन, है ना। अगर इसमें कोई दूसरी गैस फिल करोगे, जैसे मान लो आपने हीलियम फिल कर दी, तो जो हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटोन नहीं होगा। प्रोटोन किसको बोलोगे? जब यहां पर कौन सी गैस फिल हो? हाइड्रोजन गैस फिल हो। यस, जैसे मान लो इसमें हीलियम फिल कर रखी है, तो जब इसका आयनाइजेशन होगा तो इसका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन बनेगा? Hc2+ बनेगा। अब Hc2+ और H+, इन दोनों का मास अलग अलग है, इन दोनों का चार्ज भी अलग अलग है। प्रोटॉन किसको बोला जाएगा? H+ को बोला जाएगा, जब आपने इसमें गैस कौन सी फिल कर रखी है? हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है। अच्छा, ये जो एनोड रेज है, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ, कौन सी प्लेट की तरफ मूव करेगी? नेगेटिव प्लेट की तरफ, है ना। यहां से पता लगता है कि भाई इस पे चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहा होगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, सारी प्रॉपर्टीज जो शुरू वाली है, एक्सेप्ट लास्ट वन। यस, लास्ट प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? कि जो एनोड रेज की प्रॉपर्टीज होती है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली डिपेंड करेगी, क्यों? क्योंकि जब आपने गैस चेंज करी है, तो भैया जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उसका चार्ज भी चेंज हो जाएगा, उसका मास भी चेंज हो जाएगा। और अगर चार्ज और मास चेंज हो गया है, स्पेसिफिक चार्ज सेम आपका डिफरेंट हो जाएगा, चार्ज और मास दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपकी एनोड रेज की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि एनोड रेज की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस पे। कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज होती है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, ठीक है, डन, याद रहेगा ये चीज। अच्छा, इसमें भी देखो ये चीज दिखा रखी है ना, कि अगर आप एनोड रेज को पास करोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी तरफ डेविएट होंगी। तो यहां से कंफर्म भी हो जाता है कि हाँ यार, एनोड रेज जो रहा होगा उसमें चार्ज कैसा रहा होगा, उसका जो पार्टिकल रहा होगा उस पे चार्ज पॉजिटिव था, ठीक है, डन। अच्छा, एक चीज और देखो दादा, एक चीज और समझना। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, तो जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भैया? चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है सर प्लस में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और अगर आप मास की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है सर? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 × 10⁻²⁷ केजी, है ना। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें पता है, छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ लेते हो। देखो, एक छोटी सी टर्म और होती है, एक छोटी सी टर्म और होती है जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा? इसको बोला जाता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो, ठीक है। चार्ज और मास के रेशियो को बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो। याद नहीं रखना है वैल्यू क्या होती है, आपको चार्ज पता है, आपको मास पता है, आप लोग डिवाइड करके निकाल सकते हो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मान लो मैं रिलेटिव चार्ज की बात करूं, है ना, रिलेटिव चार्ज जो होता है प्रोटोन का बेटा कितना माना जाता है? प्लस वन। और रिलेटिव मास कितना माना जाता है? वन, है ना, जैसे आप लिखते हो ना 1U, वो यही होता है। रिलेटिव मास कितना? 1। और रिलेटिव चार्ज कितना? प्लस 1, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज कितना होता है? -1। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट में किसकी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो जेम्स चैडविक ने करी थी। और कैसे डिस्कवर किया उन्होंने? क्या किया, एक बेरिलियम की शीट ली और बेरिलियम की शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। मेरे हिसाब से आप सारे लोगों को पता है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है,
है ना, हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यस, और 4 यूनिट मास होता है ना, और 4 यूनिट मास होता है बेटा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। तो ऐसे पार्टिकल को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। जब उसने बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल बोम्बार्ड करवाई तो उसको एक ऐसा पार्टिकल मिला जिस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसका जो मास था वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर था। ऐसा जो पार्टिकल है उसको चैडविक ने क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया न्यूट्रॉन। यस, क्या नाम दिया बेटा? न्यूट्रॉन। तो अगर मैं न्यूट्रॉन के मास की बात करूं, है ना, तो मास होता है बेटा लगभग बराबर होता है 1.674 होता है, मास तो प्लस में ही होगा, 1.674 × 10⁻²⁷ kg। और चार्ज तो आप लोगों को पता ही है कि भैया अगर वो न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यस, अगर आपसे पूछा जाए इसका रिलेटिव मास कितना है तो आप लोग बोलोगे सर रिलेटिव मास जो है वो 1 है और इसका जो रिलेटिव चार्ज है, सर इस पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो अंडा होगा। यस, रिलेटिव चार्ज कितना होगा जनाब? 0 होगा। ये खाना बोलना है यार। यस, डन, ठीक है दादा, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने को पूछ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। एक क्वेश्चन है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज। जो कैथोड रेज होता है वो हमेशा स्पेसिफिक चार्ज मतलब ई बाई एम, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, वो कांस्टेंट होता है, कभी भी डिपेंड नहीं करता। कैथोड रेज का मतलब क्या हो गया? कैथोड रेज का मतलब है क्या? इलेक्ट्रॉन की रेज, है ना, इलेक्ट्रॉन की रेज। और इलेक्ट्रॉन कोई सा भी पार्टिकल हो उसका चार्ज और मास हमेशा सेम रहता है। डन, चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार देखना जरा खुद से। यस, इसको आप लोग खुद से करें, होमवर्क है ये आपका। और देखो, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है, ये रहा, कहता है द स्पेसिफिक चार्जेस ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी। दो पार्टिकल हैं ए और बी, उनका जो स्पेसिफिक चार्ज है उसका रेशियो दे रखा है कितना, वो रेशियो दे रखा है जी 2/3। कहता है मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ई ए अपॉन ई बी इंटू एम ए इंटू एम बी, ये कितना दे रखा है बेटा? 2/3। यस, तो अब हमसे पूछा है ई ए अपॉन ई बी का वैल्यू कितना होगा, तो ई अपॉन ई बी क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू एम ए अपॉन एम बी हो जाएगा ना, ए भाई बोलना यार, ठीक है। और एम ए अपॉन एम बी कितना दे रखा है? सर ये दे रखा है 2/3, एम ए अपॉन एम बी दे रखा है 2/3। इसका मतलब इनके चार्ज का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:9। बताइए, बताओ बताओ, क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत हो तो इसमें आप बता सकते हो। ई बाई एम रेशियो हमारे पास था और यहां से हमें चार्ज का रेशियो पूछा था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यस, आगे चले। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमें चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर बताना है ना, ई बाई एम बताना है, किसका चार्ज और मास का रेशियो ज्यादा होगा। सारे चार्ज और मास के रेशियो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, अब लोगों ने पूछा यार बताओ एटम कैसा होता है दिखने में, शेप कैसी होती है, एटम कैसा होता है, तो वहां से बने आपके क्या? एटॉमिक मॉडल्स। हमें इस चैप्टर में कितने एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने हैं? 4 एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर आएगा आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर आएगा आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, और सबसे लास्ट में आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाले जो 2 एटॉमिक मॉडल्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ऊपर वाले 2 एटॉमिक मॉडल्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग पढ़ लेंगे, छोटी क्लास में आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर आ जाओ, थॉमसन के बारे में बात करते हैं। थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन को ना एक दिन रात को सपना आया, है ना, एटम का सपना आया उसको, और जो उसको सपना आया वही उसने चिपका दिया, रूल बना दिया, है ना, कि एटम ऐसा होता है। क्या सपना है? कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और बोला कि ये स्फेरिकल तो है लेकिन साथ साथ इस एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के अंदर, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। उसने अपने जो मॉडल था इसको रिलेट किया किसके साथ? प्लम पडिंग के साथ, या फिर इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। वाटरमेलन में जैसे वो सीड्स, ब्लैक कलर के सीड्स प्रेजेंट होते हैं, इसने बोला वैसे ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एटम के अंदर, और जो एडिबल सब्सटेंस है, जो खाने वाला सब्सटेंस लाल लाल कलर का होता है ना,
वाटरमेलन में, जैसे वो प्रेजेंट होता है, इसने बोला कि जो आपका एटम होगा उसका क्या प्रेजेंट है, वो है पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इस वजह से ये वाला जो मॉडल था इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एटम को स्फेरिकल बोला, उसने कुछ कैलकुलेशन से ये भी बोला कि जो एटम का रेडियस है ना, वो 10^-10 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। और इसको उसने कंपेयर किया किसके साथ, प्लम पडिंग या फिर एक वाटर मेलन के साथ, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम, नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता। ये किसने बोला, ये बोला भाई साहब ने, है ना, किसने ये बोला है, थॉमसन है, देखो ये देखो, है ना, ये वाटर मेलन है आपके सामने, इसमें जैसे आपको सीड्स दिख रहे ना, ये सीड्स से कंपेयर किया उसने इलेक्ट्रॉन को और जो बाकी एडिबल सब्सटेंस है, वो बोला आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना है, ठीक है। अब कोई आपसे ये पूछे कि भाई इसकी लिमिटेशंस क्या है, अरे तो भैया इसमें तो सारी लिमिटेशन ही है, उसने कुछ बोला ही नहीं है एटम के बारे में, कुछ अच्छी चीज बोली नहीं है उसने, है ना। तो क्या लिखता है देखो कि सबसे पहले तो ये चीज का पता नहीं लगता कि भाई अगर आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ कैसे जुड़ा हुआ है ना, किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, इससे आपको एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता लगता। इस पूरे में कहीं पर भी न्यूक्लियस के बारे में नहीं कहा गया कि न्यूक्लियस क्या होता है, यस। और जब रदरफोर्ड आया इसके बाद, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यस। उस एक्सपेरिमेंट को ये वाला जो मॉडल है उसके रिजल्ट और इसके जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट थे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि यार थॉमसन ने अच्छी बात क्या बोली थी, तो अच्छी बात ये बोली थी, उसने कहा था कि जो एटम होता है उसमें टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है ना। उसने बोला नेगेटिव चार्ज का माना डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर हैं इसका मतलब एटम एज अ होल कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये किसने कहा, थॉमसन ने, है ना। तो ये इसकी अच्छी बात थी, बाकी तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। फिर उसके बाद दूसरे भाई साहब आए, इनका नाम था रदरफोर्ड, यस। और रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जबरदस्त, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, सब जानते हैं उसके बारे में, है ना। उसने एक गोल्ड की फॉइल ली और उसके ऊपर किसको बोम्बार्ड करवाया, अल्फा पार्टिकल्स को बोम्बार्ड करवाया, और फिर अल्फा पार्टिकल्स का जो डिफ्लेक्शन था उस गोल्ड फॉइल से, उस डिफ्लेक्शन को नोट किया और डिफ्लेक्शन से कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसने कुछ कंक्लूजन निकाले और वहीं से उसका एटॉमिक मॉडल बन गया, ठीक है। तो आइए फिर वो देख लेते हैं क्या क्या चीज उसने बोली और क्या कहा। देखो समझो, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा भैया, है ना, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर, अल्फा पार्टिकल बोले तो हीलियम न्यूक्ली, है ना। ये अल्फा पार्टिकल आया और अल्फा पार्टिकल आके इस गोल्ड की फॉइल को हिट करता है, यस। और इस गोल्ड फॉइल को हिट करने के बाद ये डेविएट हो जाता है, देख रहे हो आप, ये डेविएट अलग अलग एंगल पे डेविएट हो रहा है ना। डेविएट क्यों हुआ, इसका रीजन भी हम लोग समझेंगे। अब इसने क्या कर रखा है, ये जो चारों तरफ एक फिल्म लगा रखी है ना, एक फिल्म से लगा रखी, स्क्रीन से लगा रखी है, उसमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है, तो जैसे ही कोई पार्टिकल आके उसको हिट करेगा वहां पर ग्लो दिखाई देगा और उससे पता लग जाएगा कि यार ये जो पार्टिकल है ये किस एंगल पे डेविएट हुआ है, ठीक है। गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली, इसका एक रीजन तो ये होता है कि भाई गोल्ड जो होता है वो सस्ता तो नहीं होता, है ना। कोई कह सकता था साहब लोहा हुआ ही ले लेता, सस्ता है, गोल्ड तो इतना महंगा है साला, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा धनवान आदमी था, नहीं, है ना। लेकिन ये इसलिए लिया बिकॉज जो गोल्ड होता है बेटा, गोल्ड की बहुत पतली शीट्स बनाई जा सकती है ना। अगर यहां पर मोटी शीट ले लोगे तो ये हो सकता है अल्फा पार्टिकल उस शीट के थ्रू पास ना हो पाए, है ना। तो इस वजह से हमें जो शीट लेनी थी वो कौन सी थी, मोटी शीट लेनी थी, और उसके लिए सबसे सही कौन सी थी, गोल्ड की फॉइल थी। बहुत हमें जो शीट लेनी थी, जो फॉइल लेनी थी वो पतली लेनी थी, और वो किसकी हो सकती है, गोल्ड की, क्योंकि जो गोल्ड होती है उसकी बहुत पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है, पहली चीज। और दूसरा रीजन ये था कि यहां पर जो मेटल चाहिए था वो मेटल हैवी होना चाहिए था, है ना। हैवी मेटल का मतलब है उसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इस अल्फा पार्टिकल को उतना ही ज्यादा डेविएट करेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन अच्छा होगा जिसको मेजर कर पाना आसान होगा। मेरी बात समझ में आई। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से उसने गोल्ड की फॉइल ही चूज करी, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो अपने आप में एक हैवी मेटल होता है, ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे इसके आपके सामने लिखे,
है ना। और ऑब्जर्वेशन आप सारी जनता जानते ही हो, ऑब्जर्वेशन क्या था कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल गए, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो किसी एक एंगल से डेविएट हुए, और उनमें से भी बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, कोई 18-20 हज़ार में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते पर गया था उसी रास्ते पर वापस आ गया, 180 डिग्री का एंगल डेविएशन हुआ उसका, यस कंप्लीटली रिबाउंड हो गया, कंप्लीट रिबाउंड बोला जाता है इसको, है ना। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स सबसे कम थे। अब इसमें नंबर भी लिखा होता है कि भाई 5,000 में से एक वापस आया, कोई कहता है 20,000 में से एक वापस आया, वो नंबर आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखें कंक्लूजन सॉरी ऑब्जर्वेशन में कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट होंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल डेविएट ही नहीं होंगे, है ना, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री पे भी डेविएट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे उसको ये ऑब्जर्वेशन मिले, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने क्या किया, कंक्लूजन निकाला, क्या किया उसने, कंक्लूजन निकाला। अब खुद सोच के देखना अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, सब अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसको अगर कोई डेविएट करवा पा रहा है अपने रास्ते से, इसका मतलब वो भी कैसा रहा होगा, चार्ज पॉजिटिव ही रहा होगा, है ना। सोच के देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इधर से आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है घूमते घूमते, इस पे ऊपर भी पॉजिटिव है, तो भैया पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, है ना भाई, साइंस में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, लेकिन दैनिक जीवन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अट्रैक्शन कहीं पर भी रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, आजकल भरोसा नहीं कुछ भी, है ना। लेकिन यहां पर हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर इसके रास्ते में पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी यह अल्फा पार्टिकल डेविएट होगा। अब सोच के देखो अगर ये पूरे एटम के अंदर फैला हुआ होता पॉजिटिव चार्ज, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डेविएट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए। इसका मतलब यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के अंदर फैला हुआ नहीं है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के निकल रहे हैं। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना मुन्ना दादा, वो बहुत कम छोटी सी जगह, बहुत छोटी सी जगह पे है, इसी वजह से वो किसी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल के रास्ते में नहीं आएगा, है ना। और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो उससे डेविएट होंगे, कुछ ही हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही छोटी सी जगह पर है, समझ गए, है ना। और यहीं पर आगे चल के इसने पता है क्या नाम दिया, इसने बोला कि ये जो छोटा सा स्पेस है जहां पर एटम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उस स्पेस का नाम है न्यूक्लियस। उसको क्या नाम दिया इसने, न्यूक्लियस नाम दिया। और कुछ कैलकुलेशन करके उसने ये भी बता दिया कि जो एटम का वॉल्यूम होता है, यस एटम का जो वॉल्यूम होता है सॉरी एटम की जो रेडियस होती है वो 10^-10 के मीटर की होती है, और जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो 10^-15 मीटर की होती है। इसका मतलब एटम का जो रेडियस है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस के रेडियस के कंपैरिजन में। तो यहां पर उसने ये भी बोल दिया कि भाई जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो उस एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम होगा। यस मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना बेटा। यहां पर थोड़ी सी अपनी स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हो, है ना, बहुत आसान आसान सी चीजें। यस अब इसके बाद इन्हीं ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के बेसिस पे उसने अपना एटॉमिक मॉडल डिजाइन किया था, है ना। तो सबसे पहले उसने बताया किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, कि भाई जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर बहुत छोटी सी जगह पर प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, जैसे कि कौन, थॉमसन ने बोला था। तो जैसे ही ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना, और पता लगा कि यार पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, थॉमसन गायब, है ना, अभी तक नहीं मिला वो, है ना। आइए फिर उसके बाद उसने क्या कहा, उसने बोला कि यार न्यूक्लियस है उस पे चार्ज पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये जो सर्कुलर पाथ है इसको उसने क्या नाम दिया था, इसको उसने नाम दिया था ऑर्बिट। यस क्या नाम दिया था, ऑर्बिट, है ना। तो ये भी है कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो इसको बैलेंस किए है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस सर्कुलर पाथ पे लगातार 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 रिवॉल्व करता जा रहा है। डन, यहां से इस तरह से उसने अपना एटॉमिक मॉडल डिजाइन किया।
लेकिन देखो एटॉमिक मॉडल डिजाइन कर तो दिया इसने, बोल तो दिया कि भाई एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है ना, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं, है ना, अंदर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस करता है। लेकिन दुनिया में तो कमी नहीं है ना, मतलब अलग अलग दिमाग वालों की, इसमें भी लोगों ने कमियां निकाल ली है ना। और सबसे पहले दो कमी के बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इन लिमिटेशन में सबसे पहली चीज जो लिमिटेशन ये थी वो ये थी कि भाई ये जो आपका रदरफोर्ड होता है ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाता। कोई बोलेगा साहब कैसे नहीं समझा पा रहा, देखो एक भाई साहब थे जिनका नाम था मैक्सवेल, है ना, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। मैक्सवेल का क्या कहना था कि अगर मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन है तो वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, क्या करता है वो एनर्जी को एमिट करता है। तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब अंडर एक्सेलरेशन है, तो वो रेडिएशन एमिट करना चाहिए, एनर्जी एमिट करनी चाहिए, और अगर वो एनर्जी एमिट करता जाएगा तो वो न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, यस, वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। क्या ऐसा होता है, क्या कभी आपने कभी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में घुसते हुए देखा है, कोलैप्स करते हुए देखा है? अगर ऐसा होगा तो आपका एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा। लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब अंडर एक्सेलरेशन है, और अगर अंडर एक्सेलरेशन है तो यह सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, इसके बारे में रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, है ना। और जब जवाब नहीं होता तो भैया एटॉमिक मॉडल फेल ही होते हैं, है ना। पहला रीजन तो ये था। दूसरा, इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं। लोगों ने मान ली बात, बोले ठीक है घूमते हैं। किसी ने पूछा, अच्छा एक बात बता, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ पे घूमेंगे क्या, या दो इलेक्ट्रॉन किसी अलग पाथ पे घूमेंगे, 8 किसी अलग पाथ पे घूमेंगे, 18 किसी अलग पाथ पे घूमेंगे? तो रदरफोर्ड कहता यार मैंने सोचा ही नहीं। तो भैया जब नहीं सोचोगे तो दुनिया काट देगी आपको, है ना। तो इस तरह से ये इसकी भी लिमिटेशंस हो गई, ये दोनों चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता रदरफोर्ड, ये नहीं पता पाता कि एटम स्टेबल कैसे है, क्यों वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स नहीं करता, और वो ये भी नहीं बता पाता कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट इस न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरह का है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस अराउंड, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, बात मेरी समझ में आई क्या? ठीक है दादा, डन। अच्छा, और अब इसके बाद आगे चलिए भाई। अब एक क्वेश्चन है, कौन से साल में पूछा गया, जेई मेंस 2011। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए गौर से, क्या कह रहा है, और इसको समझिए और इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होने वाला है। फटाफट देखो जरा, कहता है कि अगर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही होता तो आपका जो रदरफोर्ड का गोल्ड फोल्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या होता, तो क्या होता चेक कर लेते हैं। देखो अगर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही होता ना, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे एटम के अंदर फैला हुआ रहता, पॉजिटिव चार्ज, है ना, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पूरे एटम के अंदर फैलना है तो थोड़ा थोड़ा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा थोड़ा होता, डेंसिटी कम होती। अब इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल बोलेगा भाई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज बोलेगा आजा बेटा मैं तुझे डिविएट कर देता हूं, है ना। और जस्ट जिस स्पीड से अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा, इधर इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा इस अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो, रिपल्शन, यस, रिपल्शन की वजह से, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से, तो स्पीड तो कम होगी पहली चीज, और दूसरी चीज अल्फा पार्टिकल का डेविएशन भी होगा। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट होंगे लेकिन बहुत स्मॉल एंगल से, स्मॉल एंगल से, क्यों, बिकॉज जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा होगा हर जगह, है ना, पॉजिटिव चार्ज को पूरे एटम के अंदर फैलना है तो थोड़ा 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 हर जगह प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, और इसी वजह से वो अल्फा पार्टिकल को ज्यादा डेविएट नहीं कर पाएगा। मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर है, यस, बहुत ही बढ़िया। एटॉमिक मास, मास नंबर क्या होता है, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक मास जो होता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं, और ये जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, यस, और जो मास नंबर होता है उसको हम लोग ए से दिखाते हैं, और ये किसके बराबर होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर, है ना।
ये इसके बराबर होता है, एक एलिमेंट है ए, है ना, चलो एम लिख देते हैं, एक एलिमेंट है एम जिसका एटॉमिक मास है जेड और मास नंबर है ए, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, आप सब लोग जानते ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी बात कर लेते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई। आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की मैं बात करूं ना, 1H1, 1H2, 1H3, देख रहे हो आप लोग, सर एटॉमिक नंबर सेम होता है, सर मास नंबर डिफरेंट होता है ना, एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के वो अलग अलग एटम्स, एक ही एलिमेंट, एलिमेंट तो सेम है ना हाइड्रोजन, उसके अलग अलग एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो इस पे क्वेश्चन भी आ गया, कौन से साल में पूछा गया, 2020 में, बताओ न्यूट्रॉन पे क्वेश्चन पूछ लिया यार, हद है मतलब। आओ देखो, इसका एटॉमिक नंबर 1 है बेटा, प्रोटॉन 1 है ना, तीनों के पास प्रोटॉन एक एक है बिकॉज एटॉमिक नंबर एक है। अब देखो इसका मास नंबर 1 है ना, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 1 है, तो बोले तो न्यूट्रॉन 0 है इसके पास। इसका मास नंबर 2 है, इसका मतलब इसके पास एक न्यूट्रॉन है। इसका मास नंबर 3 है, यस, इसका मतलब इसके पास दो न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन आया है कि न्यूट्रॉन का सम कितना होगा, आप बोलोगे 3 होगा, देख लो क्वेश्चन यही कह रहा, विश्वास ना हो तो पढ़ लो, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बोला है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए बी डी रेस्पेक्टिवली आर एक्स वाई जेड है, ए बी सी होगा ना, सी डी कहां से आ गया, ए बी सी होगा, है ना, कहता है एक्स वाई जेड है, एक्स 0 + 1 + 2, सम बताना आपको, 1 2 + 3 है ना, 2 + 1 3 हो जाएगा। आइसोबार्स क्या होते हैं सर, आइसोबार्स जस्ट इसका ऑपोजिट होता है ना सर, आइसोबार्स जस्ट इसका ऑपोजिट है, मास नंबर सेम होगा, आज एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। और एक बहुत ही शानदार चीज लिखी हुई है यहां पर नोट में, है ना, कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा लेना देना नहीं होता। तो जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स जो होते हैं बेटा देखो ये लिखा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, दैट्स व्हाई आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। बताइए क्या ये चीज सही है, डन, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो एक टर्म और होती है जिसको बोला था आइसोटोन्स, अच्छा जी ये क्या है, आइसोटोन्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सर को एग्जांपल दे दो ना, अरे ले भाई ले ले एग्जांपल, ले ले यार ये देख, एंड ये ले जा, इसके पास न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेगा ना 7 आएंगे, है ना, और इसके पास भी न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेगा ना 7 आएंगे, ये दोनों क्या एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के होते हैं आइसोटोन्स, क्या होते हैं एक दूसरे के, आइसोटोन्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ी है, इसका नाम ही चीख चीख के कह रहा है तुमसे, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन स्पीसीज के पास प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो दादा Na+, Mg2+, Al3+, यस, और इसके अलावा मैं लिख सकता हूं नियॉन, O2 2-, N3-, है ना, और बताओ F-, इन सब के पास अगर आप लोग चेक करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा जी, 10 है दादा, चेक कर ले भाई, विश्वास ना है तो, है ना, और 10 है, इसका मतलब सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर ये कैसे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, कैसे होंगे दादा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से साल में पूछा गया है, ओ भाई साहब 2023, अरे सर ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, करो देखे निपटाओ, क्या कह रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है ना, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, H2-, इसने काम बिगाड़ दिया, ये कैसे हो सकते हैं भाई, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम है ना, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकते हैं क्या, Mg2+, Ca2+, यार कहां से, 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये देखो K+18, Cl-18, Ca2+18, Sc3+18, सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से जेई को बहुत ज्यादा प्यार है ना, वो साला हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है इससे लगभग, तो ध्यान रखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन हमें पता होना
जरूरी है। यस द पेयर इन विच आइसोइलेक्ट्रॉनिक होमवर्क करना भैया, है ना, ये भी 2022 में कह रहा था तुमसे, है ना, बहुत ज्यादा प्यार है इसको, 2022 में पूछा है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, स्पेसिफिक चार्ज मैं आपको बता चुका हूं पहले, है ना, इसका रेशियो आपको खुद से बताना है। आइए एक और छोटी सी टर्म है आइसोडाइफर्स, है ना, हालांकि ये रेडियो एक्टिविटी में ज्यादा काम में आती है। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? आइसोडाइफर का मतलब है ऐसी स्पीसीज जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन प्रेजेंट हो, है ना, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन प्रेजेंट हो। जैसे देखो ये आपके सामने एग्जांपल लिखा थोरियम 234, तो यहां पर प्रोटोन मुझे दिख रहा है एटॉमिक नंबर 90 है, मतलब प्रोटोन 90 है, और इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन कितने हैं, 234 है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, 234 में से 90 माइनस कर दोगे न्यूट्रॉन मिल जाएगा, और न्यूट्रॉन मिलने के बाद आप न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन की वैल्यू निकालना, ठीक है। यहां पर भी आप लोग कह सकते हो भाई एटॉमिक नंबर 92 है, इसका मतलब प्रोटोन 92 है, यस, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन की वैल्यू 238 है, तो यहां से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो 238 माइनस 92, और यहां पर भी आप किसकी वैल्यू निकालोगे, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन की वैल्यू। आप देखोगे ये जो दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन की वैल्यू सेम होती है, दुनिया उनको आइसोडाइफर के नाम से जानती है। क्लियर, आगे चले, चलिए फिर एक और एग्जांपल है, एक और चीज है जिसका नाम है आइसोस्टर्स। क्या होते हैं, लिखा है देखो, ये ऐसे एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होते हैं जिनकी साइज लगभग सेम होती है, सिमिलर साइज कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने O2 माइनस एंड नियॉन, दोनों के वैलेंस शेल में बेटा 6-6 इलेक्ट्रॉन है, आप लोग सॉरी 8-8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, चेक कर सकते हो, और दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है, एक एक एटम है। जैसे मान लो लिखा है मैंने F माइनस एंड नियॉन, दोनों के पास वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साथ साथ दोनों की साइज लगभग, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, और साथ साथ दोनों में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। तो जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दीज आर नोन एज आइसोस्टर्स। क्या बोला जाता है इनको, आइसोस्टर्स बोला जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताइए। बहुत आसान चीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं बेटा ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, है ना। ड्यूल नेचर का मतलब क्या है यहां पर, कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ये डबल नेचर शो करती है ना, कौन कौन सा, एक होता है वेव नेचर और सर दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। यस सर, ये दो नेचर शो करती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। देख लेते हैं वेव नेचर क्या होता है और पार्टिकल नेचर क्या होता है, लेकिन उससे पहले बात होगी किसकी, अरे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है ये तो बता दो, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखो बेटा क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट होता है, और दोनों जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हुआ सर, वापस बताओ। जैसे मान लो तीन चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे अगर ऑसिलेट कर रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई पे करेगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जेड होगी। तो जो ऐसी रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशन रेडिएशन का मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो जो ऐसी रेडिएशंस होती हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता हो और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हो, दीज रेडिएशंस आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन होता है तो वो ये वाली रेडिएशंस एमिट करता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखी है इसकी, क्या क्या लिखा है कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल है ना, जितनी स्पीड लाइट की है उस स्पीड से ट्रेवल करती है। दूसरा, इनको इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की भी जरूरत नहीं है, दादा ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, बहुत अच्छी बात है। यस अच्छा, और इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। यस ये भी हमें पहले से पता है, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, कैसे, जब उनकी वेवलेंथ डिफरेंट हो, जब उनकी
क्या डिफरेंट हो, वेवलेंथ डिफरेंट हो, उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक टर्म आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, अगर आप उनको एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, आप बोलोगे साहब किसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो दादा आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ले सकते हो उनकी फ्रीक्वेंसी का, आप ऑर्डर ले सकते हो उनकी वेवलेंथ का, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। दोनों में से किसी का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लो, जो अरेंजमेंट बनेगा दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई मेरी बात? और आपके सामने देखो जी ये ऑर्डर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कम से कम इतना ऑर्डर आपको याद रहे। सबसे पहले गामा रेज, फिर एक्सरेज, फिर यूवी, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, और सबसे लास्ट में लॉन्ग रेडियो वेव्स, है ना। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और इनका इधर से इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है और वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। आप एक चीज अब देखो, इस पे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है कि भाई बताइए, है ना, इसमें से बोल देगा बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, है ना। तो वो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। वैल्यू याद नहीं रखनी, ये ऊपर जो लिखी है ये वैल्यू नहीं याद रखनी, लेकिन आपको ऑर्डर कम से कम पता होना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज आप और नोटिस करो बेटा, जो अल्ट्रा वॉलेट रीजन और IR रीजन है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है कौन सा? विजिबल रीजन, है ना। किस किस के बीच में? यूवी और IR, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? विजिबल रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, अच्छा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद हमें कुछ छोटी छोटी एक आधी चीज देखनी है ना। जैसे मान लो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है भाई? ये आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसमें ये जो मैक्सिमम होता है इसको आप क्रेस्ट बोलते हो, और ये जो मिनिमम होता है उसको ट्रफ बोलते हो। दो पड़ोस वाले क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस, इसको आप कह सकते हो लैम्डा, है ना, इसको बोल सकते हो आप लोग वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ एक तरह के क्या है? डिस्टेंस है। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक साइकिल में, एक सेकंड में कितने कितने साइकिल पूरे करती है। सर साइकिल का मतलब क्या? अरे ये वो वाली साइकिल नहीं है दादा, ये है एक साइकिल का मतलब, है ना, ये है एक साइकिल का मतलब। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जितने होंगे उसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, है ना, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स, या फिर इसकी जो ज्यादा फेमस यूनिट है वो कौन सी है? हर्ट्स। कौन सी है? हर्ट्स, ठीक है। अच्छा एक टर्म होती है पीरियड। पीरियड का क्या मतलब है? जैसे मान लो आपकी ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक सर्किल पूरा करने में, है ना, यू मान लो एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है पीरियड, है ना। और म्यू और टी का एक रिलेशन होता है, न्यू और टी का रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज योर टाइम पीरियड, है ना, न्यू इज इक्वल टू 1/T। ठीक, वेलोसिटी का मतलब आप तो जानते ही, एक रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये हमें ध्यान रखना है। इस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। यस, यहां पर सी क्या बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको आप वेलोसिटी भी बोल सकते हो। आपका लैम्डा हो गया वेवलेंथ और म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। ये वो फॉर्मूला है जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और पीरियड तो सारी दुनिया जानती है, म्यू इज इक्वल टू 1/T। इस पे भी क्वेश्चन आपसे बनाना चाहे तो बन सकता है। एक छोटी सी टर्म और होती है जिसको बुलाता है वेव नंबर। वेव नंबर म्यू बार होता है, और म्यू बार का फॉर्मूला होता है 1/λ। ठीक है, ये दो तीन फॉर्मूले हैं दादा। इन फॉर्मूले को अगर आप याद रख लेते हो तो इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, है ना, एक क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिएगा इस क्वेश्चन को गौर से, क्या लिखता है कि एक विविध भारतीय स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का, दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, दादा फ्रीक्वेंसी दे दी 1368 किलो हर्ट्ज, बोले तो 10^3 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। बताओ अब क्या करें, है ना, वेवलेंथ आपसे पूछा है, दुनिया जानती है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। यस, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास है, आपके पास सी है, आपको लैम्डा चाहिए। लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा? 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, 1368 × 10^3, है ना। और यही इसको आप सॉल्व करके किस में मिल जाएगा? मीटर में मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है। यस यस यस, अरे बोलो ना यार दादा, इजी है, बहुत आसान है ना। आगे चले,
तो ये इस पे क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, और ये तो बात हुई वेव नेचर की, है ना। वेव के लिए डिफाइन होती है फ्रीक्वेंसी, वेव के लिए डिफाइन होता है आपका लैम्डा, ये सारा सब कुछ वेव के लिए डिफाइन होता है। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनको आप वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सर वो कौन कौन से फिनोमिना है आपके सामने लिखे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर सकते, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये कुछ फिनोमिना लिखे हैं जिनको वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और उसके लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, पार्टिकल नेचर मानने की, जैसे डिफ्रेक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये कुछ फिनोमिना है जिनको वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनको आप पार्टिकल नेचर से नहीं कर सकते। ये वो फिनोमिना है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ती है, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, इन फिनोमिना के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये वाले जो चीज है इसको हमें यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये चीज हम लोग यहां पर नहीं पढ़ेंगे। डन। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, क्या होती है। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसी आइडियल बॉडी है ना, जिसको आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट दे दो सारी हजम कर जाएगी, और जब अगर वापस एमिट करने की बारी आएगी तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वापस एमिट भी कर सकती है। ऐसी जो आइडियल बॉडी होती है उसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी, और ये जो ब्लैक बॉडी ने जो रेडिएशंस एमिट करी हैं उसको बोला गया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब कोई बोलेगा साहब यहां पर आप आइडियल वर्ड यूज क्यों कर रहे हो, बिकॉज ऐसा जनरली ऐसा बॉडी एग्जिस्ट करता नहीं है, है ना, कि जो हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को अब्सॉर्ब कर ले और एमिट भी कर दे, ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट करता नहीं है, है ना, बट फिर भी है ना थ्योरेटिकल डेफिनेशन बना दी है। यहां पर एक ग्राफ बनाया गया है कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वेवलेंथ है और जो इंटेंसिटी है उसका ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपके सामने है। आप लोग देखिए ये जो ग्राफ है ये क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे और उसके बाद भी अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, है ना, टेम्परेचर के साथ। अब ये जो ग्राफ है इसका एक्सप्लेनेशन आपको पार्टिकल नेचर से ही देना पड़ेगा, इस ग्राफ को वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है इसके बारे में, इस ग्राफ के बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे ज्यादा, हाँ, तो कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यह बात हुई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। अब इसके बाद हम लोगों को बात करनी है किसकी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। तो क्या कहता आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, चलिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, ठीक है ना, क्या कहती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बहुत आसान चीज है। देखो प्लैंक ने क्या बोला, इसने बोला कि जब भी कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल, मतलब मैं नाम ले लेता हूं पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल रेडिएशन एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है या फिर एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो प्लैंक ने कहा कि ये जो एनर्जी का अब्सॉर्प्शन या फिर एनर्जी का एमिशन है ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होगा। कोई भी एटम मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी एमिट नहीं करता, हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को एमिट करेगा, ठीक। और ये जो एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट होगा, उस एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट को नाम दिया गया क्या, क्वांटम, क्या नाम दिया गया, क्वांटम। और अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट के केस में एनर्जी का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, दैट इज नोन एज फोटोन, है ना। जैसे मान लो फोटोन है, एक फोटोन है आपका, एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट है 3 जूल का, ठीक है ना, सबसे छोटा पैकेट कितने का दादा, 3 जूल का, तो आपका जो एटम होगा ना पता है कितने जूल एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है, 3 जूल कर सकता है अगर एक पैकेट अब्सॉर्ब किया है तो, 6 जूल कर सकता है अगर 2 पैकेट अब्सॉर्ब किए हैं तो, 9 जूल कर सकता है अगर 3 पैकेट अब्सॉर्ब किए हैं तो, 12 जूल कर सकता है अगर 4 पैकेट अब्सॉर्ब किए हैं तो, ये जो एनर्जी का अब्सॉर्प्शन एमिशन है कंटिन्यूअस ना होकर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होगा। और ये जो एनर्जी होगी फोटोन की, इसने कैलकुलेशन भी करी, इसने कहा कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यस। और यहां से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट यूज करोगे एच, इस एच को आप लोगों ने नाम दिया था प्लैंक्स कांस्टेंट, यस, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होती है 6.62 × 10⁻³, यस। अब ये एनर्जी है एक फोटोन की, है ना, यहां पर देखो आप लोग न्यू की जगह और क्या लिख सकते हो,
सी बाय लेमडा भी लिख सकते हो, है ना। तो ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, है ना, एक फोटोन की एनर्जी है दादा, एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब अगर कोई आपसे कहे कि सर मान लो ऐसे एन नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, फिर तो बेटा एनर्जी ऑफ एन फोटोन्स आप लोग बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये एक फोटोन की एनर्जी है तो मुन्ना एन फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए क्या करो, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो। यस यस दादा, क्लियर है, इसको आप क्या कर सकते हो, एन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस कहानी खत्म। अब इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आइए फिर हम लोग देखते हैं, बात करते हैं उन क्वेश्चंस की, उन न्यूमेरिकल्स की। आपके सामने 2022 जेई मेंस का एक क्वेश्चन है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन बताओ आप, है ना। एच का वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है और वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है बेटा, वेवलेंथ दादा दे रखा है 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, 300 × 10⁻¹⁹ मीटर। यस यस, ये हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 10⁻¹⁷ मीटर। या आपको मिल गया लेमडा का वैल्यू, एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल लो। आपने कहा सर एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वन फोटोन कितनी होगी, वो होगी साहब एच सी अपॉन लेमडा, और हमसे पूछा है वन मोल ऑफ फोटोन, है ना। तो एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, वन मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, तो आप इस एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और खुश रहिए। बस कैलकुलेशन है दादा, सॉल्व तो खुद को करना पड़ेगा, है ना, ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सॉल्व करूंगा, है ना। एच का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी हमारे पास पहले से, सी 3 × 10⁸ होता है, है ना, और जो लेमडा का वैल्यू है वो भी ये रहा। बस इसको सॉल्व करो, उत्तर पाओ, और मैंने सुना है तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम जबरदस्त है, है ना, इसको तुम ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देख लेना, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, हालांकि थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन ईजी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन वाला ये चैप्टर है नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। तो आपको भी इसी तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस जेई मेंस एडवांस में भी देखोगे ना इस चैप्टर से, तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसका वेवलेंथ दे रखा है 200 और एक का दे रखा है 4000। अरे यार इसमें क्या ही बताना, है ना, एनर्जी, एनर्जी का जो रेशियो होता है, एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर मुझे E1 अपॉन E2 लिखना हो तो वो हो जाएगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। यस, अरे दादा बोलना पड़ेगा भाई, यस हाँ ना बोलना पड़ेगा दादा। तो आपका जो लेमडा 2 है वो कितना है, 4000, और लेमडा 1 कितना है, 200। ये उड़ गया सर, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा, 200 नहीं है फिर, ये 2000 है भाई, है ना, 2000 करो इसको। तो ये मिलेगा सर 2/1, है ना, एनर्जी का रेशियो क्या मिलेगा, 2/1। ये रहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे, और देख लो कुछ क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ये वाला कर लोगे क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर विच प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसमें क्या करो, लेट हमने मान लिया, लेट नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने बेटा, एन मान लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ फोटोन कितने मान लो, एन मान लो। 4000 पिकोमीटर का मतलब है 4000 × 10⁻¹² मीटर, जो कि कैलकुलेशन होने के बाद 4 × 10⁻¹⁹ कितना मिलेगा भाई, 10⁻¹⁹ मिल जाएगा। यस yes? तो यार दादा अब तो बहुत आसान हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, E = nhc/λ। यस, एनर्जी हमारे पास है 1 जूल, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, नंबर ऑफ फोटोन्स की वैल्यू, ये एच का वैल्यू सारी दुनिया जानती है, सी का वैल्यू 3 × 10⁸ होता है, और जो लेमडा होगा वो हो जाएगा सर 4 × 10⁻¹⁹। यस, सॉल्व कीजिए और एन की वैल्यू निकालिए, खुश रहिए बस, है ना, खुश रहना ज्यादा जरूरी है भाई। यस, खुश रह के पढ़ाई करोगे ना तो उसी का फायदा ज्यादा है, है ना। ऐसे एकदम मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में भी कि जब आप ऐसे बहुत ज्यादा बर्डन लेके पढ़ाई करोगे ना अपने दिमाग पे, बहुत ज्यादा आगे की सोच के पढ़ाई करोगे, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि दिमाग में 10 चीजें चलती होती है तो इंसान का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है। तो खुश रहो, है ना, और अपने आसपास जो भी लोग हैं ना उनको उनको आपकी शक्ल जब वो देखे ना तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो बंदा बड़ा परेशान है, गया ये तो, ऐसा ना उनको लगे यार ये बंदा इतना खुश कैसे, साला जेई का तैयारी कर रहा है फिर भी खुश है, है ना। हाँ, तो मतलब जब जब अब वो खुशी आती कहां से, देखो खुशी दो लोगों को होती है, एक तो जो कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, बोले साला अपने कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज, है ना, तो एक तो खुशी उसको आती है, वो खुश रहेगा, बोले लपड़े पे नहीं पढ़ना अपने को, है ना, ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, खत्म कहानी। और दूसरा खुश वो रहता है
जो हर दिन का काम हर दिन सॉल्व करता है, बैकलॉग नहीं रखता, क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करता है, रिविजन करता है, वो बंदा खुश रहेगा, है ना। और दुखी कौन रहता है जो कोई भी काम ढंग से नहीं करता, उसका खूब सारा बैकलॉग हो गया। कभी वो करता है यार, सोचता है जेई छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, है ना। कभी उसको लगता है यार कोई बात नहीं, जेई में जैसा भी होगा देख लेंगे, पढ़ तो रही हैं, है ना। ऐसा डावाडोल वाला जिसका रवैया होता है ना, वो परेशान रहता है। तो भाई ऐसी चीज अपने को नहीं रखनी, एकदम खुश रहो, एकदम मस्त, और हर दिन का काम हर दिन खत्म करो, और बैकलॉग मत होने दो, सबसे बड़ी चीज यही है। ये बैकलॉग सीरीज है, और आप लोग बोल रहे हो सर कि बैकलॉग ना होने दो, है ना। मतलब एक तरह से आप इसको रिविजन की तरह काम में लो, जब जेई की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियस ही बात है अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग होगा तो आप कॉन्फिडेंस लूज करने लगोगे, और फिर आप बाकी लोगों से अलग होते जाओगे, है ना। और वो एक दिन बैकलॉग इतना बड़ा बन जाएगा ना, फिर हम लोग जेई वेई सब छोड़ देंगे, बोले यार अब तो नहीं हो पाएगा, है ना, वो कॉन्फिडेंस नीचे ही गिरता जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, बैकलॉग पे थोड़ा ध्यान दो। आपके पास जब भी टाइम होता है ना, हर दिन भले आप एक एक घंटा निकालो एक्स्ट्रा बैकलॉग के लिए, जो चीज अभी चल रही है ना उसके साथ छेड़खानी मत करो, वो तो पढ़ो ही, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बैकलॉग को कवर करना, है ना। ये तुम्हारे पाप है, पुराने पाप है, इनका प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, है ना। ये प्रायश्चित किए बिना पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई, देखो सीधी सी बात ये है ना। और जितना जल्दी प्रायश्चित कर लोगे आगे, आपको उतना ही आसान रहेगा, नहीं तो बैकलॉग हर चैप्टर में काम में आता जाएगा और हमारा हर चैप्टर बिगड़ता जाएगा, है ना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए टाइम निकालो हर दिन एक एक घंटा, थोड़ा सा मैनेज करो अपना जो भी बैकलॉग है उसको, टाइम को थोड़ा, अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा ना भाई, है ना। ये पाप किए भी तो तुमने ही है, तो थोड़ा पुश करो अपने आप को कि यार ठीक है, मैं पहले 6 घंटे पढ़ रहा था, अब 7 घंटे पढ़ूंगा, है ना। जैसे मान लो संडे, संडे को थोड़ा छुट्टी कम कर दो, मजे थोड़े कम लो, 2-3 घंटे पढ़ाई कर लो। यस, जैसे मान लो कोई और स्कूल का एग्जाम नहीं, स्कूल में छुट्टी चल रही है, तो उसका फायदा उठाओ, बेनिफिट उठाओ, है ना। तो ये सारी चीजें करके आपको अपना बैकलॉग कवर करना पड़ेगा, फिर आपके चेहरे पे खुशी आएगी, बोले हाँ अब मेरा बैकलॉग खत्म है, अब मैं एकदम पूरी एनर्जी के साथ लाइव क्लासेस अटेंड करूंगा। यस, है ना। तो आइए देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। लिखता है 25 वॉट का बल्ब है। भाई 25 वॉट का मतलब मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है कि 25 वॉट, वॉट होता है जूल पर सेकंड, मतलब ये जो बल्ब है ये एक सेकंड में 25 जूल एनर्जी एमिट करेगा। मैं सही कह रहा हूं? हमसे पूछता है कि ये कितने क्वांटा, मतलब कितने फोटोन एमिट करेगा पर सेकंड, मतलब मेरे से एक सेकंड में कितने क्वांटा पूछे हैं, मतलब फोटोन का वैल्यू पूछा है। यस, ये माइक्रोमीटर दे रखा है बेटा, लैम्डा का वैल्यू 0.57 × 10⁻⁶ मीटर दे रखा है। आपको क्या करना है, मान लिया लेट एन नंबर ऑफ फोटोन है तो एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा एन एच सी अपॉन लैम्डा। यस, एनर्जी मेरे पास है 25 जूल एनर्जी, एन मुझे पता लगाना है, एच का वैल्यू मेरे पास है, सी का वैल्यू मेरे पास है, लैम्डा का वैल्यू मेरे पास है। सॉल्व करिएगा, एन का वैल्यू निकालिएगा और खुश रहिए, खत्म, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इसके बाद हम लोग अगली एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बहुत ही आसान सी चीज है। जैसे मान लो आपके पास एक मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस में बहुत सारे मेटल्स, मेटल के एटम्स होंगे, एटम्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर जब आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट, है ना, क्या कर रहे हो आप लोग, यहां पर एक लाइट इसकी सरफेस पर डाल रहे हो, है ना। लेकिन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने से आपने एक चीज नोटिस करी कि ये जो मेटल की सरफेस है ये अपनी सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है, मेटल की सरफेस इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देती है। और किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही आसान सिंपल सी चीज है ना, ये इससे पता लगता है। इस तरह का आपने एक सेटअप ले रखा है ना, इधर से आपकी लाइट आ रही है, ये लाइट जैसे आके इस मेटल की सरफेस को हिट करेगी यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा और यहां पर जो एमिटर है उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। जैसे एमिटर में डिफ्लेक्शन आएगा मतलब करंट फ्लो हुआ है, करंट फ्लो हुआ है तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई पार्टिकल इधर से इधर आके सर्किट कंप्लीट करे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ है। अब बात यह आती है कि साहब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता क्यों है? इसके पीछे की कहानी सिंपल सी है, बहुत आसान सी चीज है भाई। देखो जैसे मान लो ये है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। आपने क्या किया, इधर से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली है ना, लाइट का एक फोटोन आएगा और वो जो फोटोन है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। यस, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दादा उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर क्या करेगा, जैसे देखो
अब सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दुनिया अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, है ना। केमिस्ट्री में प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है। और आपने क्या किया, इस अट्रैक्शन देखा नहीं गया आपसे, दुनिया से अट्रैक्शन नहीं देखा जाता भाई दो लोगों का, है ना। तो दुनिया क्या करेगी, इस अट्रैक्शन को तोड़ना चाहेगी, यस। और इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, यस, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना हो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपने क्या किया, इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा और यहां से बाहर भाग जाएगा, है ना, इस मेटल की सरफेस से बाहर चला जाएगा। लेकिन ध्यान दो, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाए, तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर नहीं आएगा। इसी वजह से मैंने बोला है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी पड़ती है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, यस। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यस। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है तो मेटल की सर्फेस से बाहर नहीं आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सर्फेस से बाहर आ जाएगा। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सर्फेस से बाहर निकालने के लिए काम में आती है बेटा, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यस। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले मेटल की सर्फेस से बाहर नहीं आएगा, यही इसका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, यस। ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको न्यू नोट से दिखाया जाता है, ठीक है ना। ये सबसे पहली चीज। दूसरा, ये मेटल की सरफेस थी, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये सॉरी फोटोन आया, और इधर से फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है ना, और इस फोटोन के पास इतनी सफिशियंट एनर्जी है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। तो ऐसा नहीं होगा कि ये आएगा फोटोन, इसे हाई लो करेगा, है ना, और ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को अब्सॉर्ब कर लेगा, ले लेगा और बोलेगा भी चाय पानी पी के निकलते हैं बाहर। ऐसा नहीं होता भाई, है ना। जैसे ही ये फोटोन आके इसको हिट करेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन, इस फोटोन को हिट करने में और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में कोई टाइम लैग नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, इस बात को याद रखें, ठीक है ना। तो नो टाइम लैग, है ना। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, नो टाइम लैग, है ना, कोई टाइम लैग ऑब्जर्व नहीं हुआ। अगर एक सफिशियंट एनर्जी का फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन इस मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएगा। एक चीज और देखी गई कि ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो मेटल की सरफेस से बाहर आए हैं ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट होगी वो उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना। चाहे लाइट का फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक छोटा सा ग्राफ अगर मैं आपके सामने बनाऊं, है ना, एक छोटा सा ग्राफ अगर मैं आपके सामने बनाऊं, यहां पर बेटा मैंने लिखा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, फ्रीक्वेंसी, यहां पर मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी। अब समझना, मैं आपके सामने दो ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। पहला ग्राफ ये वाला ग्राफ है, ऐसा। ये वाला ग्राफ आपको क्या बताता है, ये वाला ग्राफ ये बताता है कि जब तक फ्रीक्वेंसी इतनी ना हो जाए तब तक कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कहां हो रहा है, इस वाली फ्रीक्वेंसी पे, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, कितने, इस फ्रीक्वेंसी पे इतने फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, है ना। और अब अगर इसके बाद भी आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से ये चीज पता लगती है कि ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। हाँ, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, मान लेते हैं ये जो लाइट थी मैंने लो इंटेंसिटी के लिए रखी थी, ठीक है, लो इंटेंसिटी लाइट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कम थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम थे। अब मेरा मन किया यार थोड़ा सा मैं फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ा के देखता हूं। तो मैंने जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो अब की बार मेरा ग्राफ था वो ये मिला। आज भी फोटो इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी पे बाहर रिजेक्ट होंगे, लेकिन यहां ये हाई इंटेंसिटी लाइट है। ये वाली लाइट कैसी है दादा, हाई इंटेंसिटी लाइट है, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट जब मैंने डाली तो मुझे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा मिले। ये पहला ऑब्जर्वेशन। और दूसरा ये था कि फ्रीक्वेंसी पे उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
फिर मैंने लिखा कि यार काइनेटिक एनर्जी जो है फोटोइलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करेगी, तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यस, ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दादा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके इंडिपेंडेंट है? इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है। डन। जैसे मान लो अगर आप काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ बनाना चाहते हो ना, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ बनाना चाहते हो, ठीक है दादा, तो देख ये वाला ग्राफ इस तरह से बनेगा। इंटेंसिटी बढ़ाओ कम करो, काइनेटिक एनर्जी बोलेगा भाग मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कुछ भी, है ना। और लेकिन अगर मान लो आपने काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाया तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। जो ग्राफ बनेगा यहां पर काइनेटिक एनर्जी है और यहां पर बेटा फ्रीक्वेंसी है, तो देख दादा जो ग्राफ बनने वाला है ना वो यहां से ऐसे बनेगा इस तरह से। ऑब्वियस है, इस वाली फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। यहां इस फ्रीक्वेंसी पे पहली बार इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है तो इस फ्रीक्वेंसी को मैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम देने वाला हूं। ठीक है, मेरी बात समझ में आप लोगों को आ चुकी है। तो दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस, है ना। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे एक भाई साहब थे जिनको दुनिया अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानती है, उन्होंने इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, इसको एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या बोला कि जो आप टोटल एनर्जी दे रहे हो फोटोन के थ्रू, यस, जो आपने टोटल एनर्जी दी है, ये टोटल एनर्जी दो काम करती है। ये टोटल एनर्जी कितने काम करती है? दो काम करती है। वो दो काम कौन कौन से है? सबसे पहला तो वो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालेगी और उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। और दूसरा, अगर मान लो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी जो है जो फोटोन के थ्रू मिली है वो दो काम करेगी। सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालेगी और जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी नोन एज वर्क फंक्शन। और यहां जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना। तो यहां से मैं टोटल एनर्जी लिख सकता हूं एच न्यू, वर्क फंक्शन हो जाएगा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर जो न्यू नॉट है दादा वो न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अरे मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग दादा? यस यस यस। और ये जो एच न्यू नॉट होता है इसी को क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन बोला जाता है, जहां पर एच जो है वो है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। डन। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी के इर्द गिर्द, इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरे से कहता है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ, अच्छा वेवलेंथ मान, वेवलेंथ दे दी भाई 4000 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 10^-10 मीटर और 4×10^-7 मीटर, ठीक है डन, इतना दिया है। कहता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो इतनी है, मतलब लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी दे रखी है 5420 एंगस्ट्रॉम × 10^-10 मीटर, लैम्डा नॉट दे रखी है। और हमसे क्या पूछा है? वर्क फंक्शन पूछा। ओ भाई वर्क फंक्शन पूछा ना दादा, वर्क फंक्शन को फाई से दिखाया जाता है, एच न्यू नॉट होता है। और न्यू नॉट की जगह सी अपॉन लेमडा नॉट लिख सकता हूं। एच की वैल्यू आप लोग जानते हो, सी का वैल्यू आपको पता है, लेमडा नॉट आपके सामने है। इसको सॉल्व कीजिएगा आपको क्या मिल जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दो या फिर वर्क फंक्शन बोल दो, दोनों में से कुछ भी कहो, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। डन, यहां तक कहानी क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। वर्क फंक्शन दे रखा है ना, वर्क फंक्शन दे रखा है, मतलब एच न्यू नोट का वैल्यू दे रखा है 3.2×10^-19 जूल एंड इट्स एलिमिनेटेड विद द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी आप उस पर डाल रहे हो वो है इतनी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मेरे से पूछा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, यही तो होता है। अरे बोलो ना, तो हमारे पास एच न्यू नॉट की वैल्यू पहले से है और न्यू की वैल्यू मेरे पास है, तो एच से मल्टीप्लाई कर देना 6.62×10^-34 और न्यू मेरे पास है 8×10^14। ये तो हो गया बेटा एच न्यू, और माइनस एच न्यू नॉट की वैल्यू यहां डाल देना, ये रहा एच न्यू नॉट, इसको सॉल्व कर लेना, क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। बताइए कोई परेशानी है आपको इसमें? हो ही नहीं सकती, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कौन से साल में पूछा गया? 2019 में पूछा गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन लिखता है?
Which of the graphs shown below does not represent the relationship between incident light and electron ejected from metal surface? पहला दे रखा है kinetic energy और energy. बिल्कुल सही बात है, ये वाला graph तो बिल्कुल सही है. Intensity के साथ kinetic energy का कोई लेना देना नहीं है, ये वाला graph भी सही है. Number of electrons frequency के साथ change नहीं होते, ये वाला graph भी सही है. और यहाँ पर kinetic energy और frequency का graph zero से start कर रखा है, zero से start नहीं होगा. Graph कहाँ से start होता है? आगे से threshold frequency से start होता है. ये तो कह रहा है कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, गलत है भाई सरासर, है ना. यहां से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा. इनकरेक्ट पूछा, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए जनाब. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम लोग आगे बात करते हैं, और वो है स्पेक्ट्रम. यस, हम लोग किसकी बात करेंगे? स्पेक्ट्रम. क्या होता है स्पेक्ट्रम? आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक प्रिज्म है, इधर से व्हाइट लाइट आई, और ये जो प्रिज्म है वो क्या करता है, व्हाइट लाइट को सात अलग अलग रेडिएशंस में, सात अलग अलग कलर्स में क्या करता है, स्प्लिट कर देता है. और ये जो आपने लिखा है, ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, रेड की लैम्डा ज्यादा, वायलेट की लैम्डा कम. तो एक तरह से आपने क्या किया, एक फोटोग्राफिक फिल्म पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है उनको अरेंज कर दिया, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रम. डन. इसी को क्या बोला जाता है बेटा? स्पेक्ट्रम बोला जाता है. अब ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है ना, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि आप देखो, एक कलर दूसरे में मर्ज हो रहा है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, चौथे पांचवे में, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आई है. सो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. एक्चुअली स्पेक्ट्रम जो होता है ना, वो दो तरह का होता है बेटा. कंटिन्यूअस देखो, ये रहा, यहां से लेके यहां तक देखो, कहीं पर भी बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं है, है ना. दिस इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ये वाला भी कॉन्टिन्यूस है, ये वाला भी कॉन्टिन्यूस है. और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूस बोल दो या फिर लाइन स्पेक्ट्रम बोल दो. आपकी स्क्रीन पर देखो, यहां से यहां तक लाइट है, बीच में यहां पे लाइट गायब है, है ना. यहां पर डिसकॉन्टिन्यूटी आ चुकी है, फिर उसके बाद वापस वेवलेंथ आपके सामने. यहां पर वेवलेंथ है, बीच में वेवलेंथ गायब है, फिर वेवलेंथ है, फिर गायब है, फिर है, फिर गायब है. तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये बेटा किसके हैं? डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल्स है. कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि हर फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रेजेंट एक सर्टेन रेंज में, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ वेवलेंथ की लाइट्स वहां पर प्रेजेंट नहीं है. डन. अब ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये भी दो तरह का होता है. कौन कौन सा? एक होता है एमिशन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन. कौन कौन सा? एमिशन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन. ठीक है ना. तो हम लोगों को बात किसकी करनी है बेटा? एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की. किसकी बात करेंगे हम लोग? एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोला है? वो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि जब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूं, देखो लाइन्स दिख रही है ना आपको बीच में, है ना, ऐसा लग रहा है लाइन्स. यस, कई बार लाइन्स जो है देखो यहाँ डार्क है, और ये वाली जो लाइन्स है वो ब्राइट है. तो कई बार लाइन्स डार्क भी हो सकती है, ब्राइट भी हो सकती है, डिपेंड करता है, है ना, कि स्पेक्ट्रम किस तरह का है. तो अगर मान लो मैं बात करता हूं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की, तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझो, है ना, इसको आप थोड़ा सा समझो. जैसे मान लो आपके पास एक सैंपल है, इसको आपने हीट किया, इंटेंस हीट, ठीक है. तो इस सैंपल में बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, है ना. तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन था, मान लेते हैं पहले हीट करने से पहले अपनी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था. जब आपने आपने इसको हीट किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से उछल कर कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया, हायर एनर्जी वाली स्टेट में चला गया. अब आपको बताया कि हायर एनर्जी स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, तो वो क्या करेगा? उसको अपनी गलती का एहसास होगा, और वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, लो एनर्जी वाली स्टेट में आने की कोशिश करेगा. यस. अब जब वो लो एनर्जी वाली स्टेट में आएगा, कब आएगा? जब वो कुछ रेडिएशन को एमिट करे, तभी वो अपनी लो एनर्जी स्टेट में आ सकता है ना. तो अब वो जो रेडिएशंस उसने एमिट करी है, जो एनर्जी एमिट करी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और ये जो रेडिएशंस इसने एमिट करी है, इनको आपने क्या किया? निकोल प्रिज्म के थ्रू पास किया, और निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करके इनका आपने एक फोटोग्राफिक फिल्म पे स्पेक्ट्रम बना लिया, है ना, लेमडा वन से लेके लेमडा एन तक, कि ये वेवलेंथ है जो इसने एमिट करी है. यस भाई, मान लो चार वेवलेंथ ये एमिट करता है, तो आपका जो यहां ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है, इस पे आपको कितनी लाइंस मिल जाएंगी? चार लाइंस मिल जाएंगी. जो रेडिएशंस उसने एमिट करी हैं, जितनी रेडिएशंस उसने एमिट करी हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग, उसी वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां पर लाइंस दिखेगी. तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो आपका सैंपल था, इसने कौन कौन सी लाइंस को, कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एमिट किया है, है ना. और क्योंकि एमिटेड वेवलेंथ को आपने स्पेक्ट्रम में उतारा है, सो दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एमिशन स्पेक्ट्रम. और एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोला है? क्योंकि आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं. मेरी बात समझ में आ गई? यस, बहुत बढ़िया.
अच्छा इस वाले में ना आप लोग एक एक छोटा सा फॉर्मूला वो भी लिख सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक 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 रिलेशन आप लोग लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी एस है ना, ये जो वी एस है दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल जिससे आपका इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा जिससे, है ना, वो नेगेटिव पोटेंशियल, उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका एक छोटी सी कहानी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है बेटा वो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, और हाइड्रोजन का जो एटम होता है अपनी ग्राउंड स्टेट में था, यस अपनी ग्राउंड स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में गया और जब वापस आया तो कुछ रेडिएशन इसने एमिट करी, ठीक है ना। अगर मान लो ये जो रेडिएशन इसने एमिट करी है इसका आपको वेवलेंथ निकालना है ना, ये जो एनर्जी स्टेट है इसको मैंने N1 बोल दिया और ये वाली जो एनर्जी स्टेट है इसको मैंने N2 बोल दिया। जो इसने एमिट करी है एनर्जी या एमिट जो करी है रेडिएशन उसका वेवलेंथ कितना है, तो एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/N1² माइनस 1/N2² ये वाला फॉर्मूला है जो आप लोग ध्यान में रखें। यहां पर बेटा R जो है वो क्या है, रिडबक्स कांस्टेंट, यस, और जो Z है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, साथ में N1 और N2 दे रखा है। N1 क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट, यस लोअर एनर्जी स्टेट, और N2 क्या है, हायर एनर्जी स्टेट। मेरी बात समझ, जैसे मान लो यहां से यहां गया ना तो N1 जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट होगा और ये जो N2 है वो हायर एनर्जी स्टेट होगा। डन। अब जब हाइड्रोजन की बात की गई तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में या जो रिडबक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 109677 होती है ना, और अगर ये वाली वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपको सेंटीमीटर इनवर्स में लैम्डा का वैल्यू मिलने वाला है ना, 1/लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं 1/लैम्डा, ये किसमें मिलेगा, 1/लैम्डा। ठीक है, हाँ अब आपने एक चीज नोटिस करी कि ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उस स्पेक्ट्रम में आपको बहुत सारी सीरीज दिखाई देती है। कौन सी सीरीज, सीरीज क्या होती है, कुछ ग्रुप ऑफ लाइंस को सीरीज बोल दिया जाता है ना, जैसे लाइमन सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये ऐसी सीरीज आपको दिखाई देती है। और वो जो सीरीज है, कौन कौन सी सीरीज है, उन सीरीज के लिए मतलब क्या है सीरीज का, और कौन सी ग्रुप की लाइंस को बोला जाएगा, जैसे अगर मैं बात करता हूं लाइमन सीरीज है ना, जब मैं बात करता हूं लाइमन सीरीज का मतलब ये है कि इसके लिए जो N1 का वैल्यू है वो हमेशा 1 होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में आएगा, और जो N2 का वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई, तो ये जितनी भी लाइंस होगी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट N1 इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो जितनी भी लाइंस बनी है उन सारी लाइंस को आप बोलोगे लाइमन सीरीज की लाइंस। डन, यस। अच्छा अब ये जो लाइमन सीरीज की लाइंस होती है बेटा ये अल्ट्रावोलेट रीजन में होती है, ये आपको ध्यान में पता होना चाहिए। लाइमन के बाद आता है बामर, ठीक है ना, बामर सीरीज की लाइंस ऐसी लाइंस को बोलते हैं जिनके लिए N1 का वैल्यू 2 होता है और जो N2 का वैल्यू होगा वो जाएगा 3, 4 से लेके इनफिनिटी तक। ये जो लाइंस होती हैं ये विजिबल रीजन में होती हैं, काफी बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पाश्चन आता है, ठीक है, पाश्चन N1 का वैल्यू कितना 3 और N2 का वैल्यू कितना 4, 5 से लेके इनफिनिटी तक, ये किसमें होती है इंफ्रारेड में। पाश्चन के बाद कौन आता है ब्रैकेट, है ना, फिर कौन आता है फंड, है ना, फिर कौन आता है हम्फ्री। अब तो आप समझ ही गए हो क्या है ना, ब्रैकेट इसका मतलब N1 का वैल्यू 4, N2 का वैल्यू 5, 6, 7 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। यहां पर N1 का वैल्यू 5 होगा, यहां पर N1 का वैल्यू 6 होगा, यहां पर N2 का वैल्यू 6, 7, 8 से लेके इन्फिनिटी, और यहां पर N2 का वैल्यू 7, 8 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आपको लाइंस का पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ये सारी की सारी जो लाइंस होंगी ये किसमें प्रेजेंट होगी, इंफ्रारेड रीजन में, IR रीजन में ये लाइंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे ये कहे कि भाई लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है। जब आपसे ये कहे सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आ रहा है। जब आपसे ये कहे कि अल्टीमेट लाइन, है ना, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसका मतलब वो इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है।
तो एन टू का वैल्यू इन्फिनिटी, एन वन का वैल्यू वन, ठीक। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में कहा गया फर्स्ट लाइन ऑफ बॉमर सीरीज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बॉमर सीरीज मतलब एन वन का वैल्यू टू है और फर्स्ट लाइन का मतलब वो थ्री से टू में आ रहा है, सेकेंड लाइन का मतलब फोर से टू में आ रहा है और लास्ट लाइन का मतलब इन्फिनिटी से टू में आ रहा है। तो एक दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह का पूछा जाता है। इस पे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इस पे एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और वो क्वेश्चन ये है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई लाइमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का वो कौन सा होगा? सबसे कम एनर्जी, भाई ऑब्वियस ही बात है सबसे कम एनर्जी तब होगी जब इलेक्ट्रॉन टू से वन में आएगा, ये एनर्जी इसमें मिनिमम होगी और लैम्डा जो होगा वो मैक्सिमम होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, लैम्डा मैक्स मतलब एनर्जी सबसे मिनिमम और लाइमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन है टू से वन। बात क्लियर है? यस। अच्छा आपसे ये कहे कि मैक्सिमम एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन कौन सा होगा, तो आप लोग बोलोगे मैक्सिमम का मतलब है इन्फिनिटी से वन में आ रहा है तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा और ई मैक्स है मतलब लैम्डा मिनिमम है ना। आपसे ये भी कह सकता है मिनिमम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन बताइए, तो मिनिमम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन ये होगा इन्फिनिटी से वन, किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। अच्छा अगर मैं बामन सीरीज की बात करूं, इसमें मैं आपसे पूछूं मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी मतलब इन्फिनिटी से टू, मैं आपसे कहूं मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी मतलब थ्री से टू, तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है जो इस वाले टॉपिक पे पूछा जाता है। क्लियर है? डन। तो आइए फिर इस पे क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। क्या कह रहा है? इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी इन वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। आ गया है ना? देखो N2 का वैल्यू है 3, N1 का वैल्यू है 1 और आपको फॉर्मूला हाइड्रोजन बता रखा मतलब Z का वैल्यू 1 हो गया, तो आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एस जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर और सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे आपको लैम्डा मिल जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना और मेरे से और क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा, खत्म कर लोगे। लेकिन एक चीज और देखो, ये ऑप्शन इसके नहीं है भाई, है ना, ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। डन, ठीक है ना? तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और देख लो। हाँ एक और चीज पूछी गई है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज। अच्छा देखो मैं कह रहा था ना आपसे लॉन्गेस्ट, बेटा लैम्डा मैक्सिमम है, यस लैम्डा मैक्सिमम है इसका मतलब एनर्जी मिनिमम है और एनर्जी मिनिमम है बामर सीरीज में तो एन वन टू होता ही है, मिनिमम एनर्जी मतलब एन टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं पर ही निपट गया है ना। फॉर्मूला हमारे सामने है, वेव नंबर पूछा ना, वेव नंबर मतलब वन अपॉन लैम्डा, यही होता है वेव नंबर, ये हो जाएगा आर एच जेड स्क्वायर, कुछ नहीं कहा गया तो हाइड्रोजन ही मान के हमें सॉल्व करना होता है। इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना, हाइड्रोजन पूछा गया ही है, बोला गया है तो जेड का वैल्यू वन हो जाएगा, आर का वैल्यू आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो इस वाले टॉपिक पे पूछे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसमें क्या ही करना है, बामर सीरीज कहाँ होती है, विजिबल रीजन में होती है ना, बामर कहाँ होती है, विजिबल में होती है, लिखवाया था ना अभी, है ना, बामर विजिबल में होती है, लिखवा रखा है। तो डन, तो ये वाला था स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे किसकी, बोर्स एटॉमिक मॉडल की, बोर ने क्या क्या बोला, क्या क्या पोस्टुलेट दिए, बहुत ही आसान से पोस्टुलेट थे और फिर उसके अकॉर्डिंग बोर ने क्या क्या कैलकुलेशन करी वो भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे जो पहला पोस्टुलेट था इसका वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमता है ना, फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमता है और ये जो सर्कुलर पाथ है इसको आप क्या कह सकते हो, एनर्जी लेवल कह सकते हो या फिर एनर्जी शेल बोल सकते हो, है ना, शेल बोल सकते हो या फिर एनर्जी लेवल बोल सकते हो। जैसे यहां घूम रहा है तो ये फर्स्ट शेल है, यहां घूम रहा है तो सेकंड शेल है, यहां घूम रहा है तो थर्ड शेल है, सर्कुलर पाथ पे इवॉल्व करता है। फिर इसने एक और बढ़िया बात बोली कि जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा एक फिक्स पाथ पे तब तक वो एनर्जी का एमिशन नहीं करता और ना ही एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, कब तक, जब तक वो एक फिक्स पाथ पे घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करता है, एक से दूसरी जगह पर जाना चाहता है,
मान लो कि वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है ना, लोअर एनर्जी स्टेट से, लोअर शेल से हायर शेल में जाना चाहता है, भाई शेल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो लोअर सेल से हायर सेल में जाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। मेरी बात क्लियर है? उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। और अगर मान लो वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में डिफरेंस तभी आएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा, सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे घूम रहा है तब उसकी एनर्जी टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। ये बोर का एक बहुत ही जबरदस्त पोस्टुलेट था। यस यस यस, मेरी बात समझ में आई? डन। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद देखो अब ये कितनी एनर्जी एमिट करेगा, कितनी अब्सॉर्ब करेगा, ये आप लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हो। डेल्टा इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, है ना, ये डिफरेंस आता है एनर्जी का। और वो आप लोग एनर्जी का वैल्यू अभी मैं आपको बताऊंगा, एनर्जी किस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, है ना, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब या फिर एमिट करेगा। फिर इसने एक और पोस्टुलेट भी था, ये वाला पोस्टुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोस्टुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पोस्टुलेट क्या कहता है आपको, ये पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन मान लो एक फिक्स पाथ पे घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे रिवॉल्व कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिटल उसी एनर्जी लेवल पे एमिट पे रिवॉल्व कर पाएगा जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, दिस इज योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो किसका, एच अपॉन टू पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यस, उस पाथ पे घूम पाएगा जिस पाथ का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है बेटा वो एच अपॉन टू पाई का क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यस, यहां पर जो एन का वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। यहां जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है बेटा ये 0.5 एच अपॉन टू पाई नहीं हो सकता कभी भी, यहां पर एन का जो वैल्यू होगा ये एक होल नंबर होना जरूरी है, ये 0.5 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये एक पोस्टुलेट था जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस पोस्टुलेट पे क्वेश्चन आपके आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इस पोस्टुलेट को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो आपका बोहर था उसने क्या किया था, कुछ फॉर्मूले डिराइव किए। क्या किया उसने, कुछ फॉर्मूले डिराइव किए, किस किस के, कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, उस ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से घूमेगा, उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये कुछ फॉर्मूले उसने डिराइव किए, ठीक है ना। अब मैं पूरा डेरिवेशन तो आपको नहीं करवा सकता क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो डेरिवेशन कैसे हुआ होगा, है ना, मैं तरीका आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने वैसे कंप्लीट डेरिवेशन देखे ही होंगे जहां पर भी आपने पढ़ा होगा। तो देखो मान लो ये है न्यूक्लियस बेटा, इसका एटॉमिक नंबर, और ये है इसके इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। यस, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर, ये क्या डिस्टेंस, आर है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस पे घूम रहा है तो इसकी तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं जेड, इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा, जेड है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है। तो इसके न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, जेड चार्ज होगा, जेड इंटू ई चार्ज होगा। यस, जेड इंटू ई चार्ज होगा। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस है आर, बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जो अंदर की तरफ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बाहर की तरफ लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ पे घूम पाएगा। यस, अगर ये दोनों फोर्सेस, अब बात ही आती है कि सर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होता है साहब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो देखो के तो के रह गया, Q1 कितना है E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और Q2 कितना है, जेड इन टू ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये बन गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यस, यही बन जाएगा। अब ये दोनों जो फोर्सेज होंगे वो होंगे बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मेरी बात तो मैं समझ में आई, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है। और एक और फॉर्मूला है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, है ना, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये दो आपके सामने यूं मानो कि दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन की हेल्प, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप लोग रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हो, इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, देखो ना, यहां से वी निकाल के इसमें डाल दो, जैसे यहां से v का वैल्यू निकाल के इसमें डालोगे आपको r मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको किसका r मिल जाएगा, r को इस फॉर्मूले में डाल दो v मिल जाएगा।
तो रेडियस निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या फिर ऑर्बिटल शेल की एनर्जी भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो सर कैसे करें, देखो आपको मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा, है ना, डायरेक्ट आप उन फॉर्मूले को याद रखें। या सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, आप लोग फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। सर nth ऑर्बिट का जो रेडियस है वो होता है 0.529 इनटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, बस ये वाला फॉर्मूला है, इसको याद रखें दादा। यहां पर जो n है, n कौन सा है, ऑर्बिट नंबर बोल दो, शेल नंबर बोल दो, z यहां पर क्या है, एटॉमिक नंबर है, डन। अगर मान लो आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 होता है, z इज इक्वल टू 1 है। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालोगे वो आपको 0.529 मिलेगी, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालोगे वो आपको 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर मिलेगी, अगर आप थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालोगे वो 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर मिलेगी, अगर आप nth ऑर्बिट की रेडियस निकालोगे तो वो आपको 0.529 इंटू n स्क्वायर मिलेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये रेडियस का फॉर्मूला है, nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो 0.529 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर होता है, n यहां पर है शेल नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर, ठीक है, ये पहली चीज है। अब इसके बाद रेडियस के बाद मान लो हम लोग बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, हाँ, यहां से देखो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, है ना, रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाय जेड के। अब यहां वेलोसिटी की बात कर लेते हैं बेटा, nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होती है 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, यस ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर ले, गांठ बांध ले, कसम खा ले, भूलोगे नहीं, लेकिन कसम मेरी नहीं खाओगे, तुम्हें जैसे देखना है जो भी देखना है वो आप लोग देख लेना, है ना बेटा। जो वेलोसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, है ना, वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड बाय एन के, क्लियर। ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे भाई, और कोई इलाज नहीं है इनका, यस, और कुछ भी इलाज नहीं है, फॉर्मूला याद है क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं याद है क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। और देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा, है ना, कितने रिवॉल्व, है ना, रिवॉल्यूशन का मतलब कितनी बार घूमेगा। तो देखो यार ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, एन है, अगर एक रिवॉल्यूशन अगर वो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर वापस आया, तो उसको उतने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 2πr, एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2πr। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहां से निकालना हो क्या वेलोसिटी, v क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सर एक रिवॉल्यूशन में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वो n रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो सर ये हो जाएगा n इंटू 2πr, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और टाइम कितना लगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से बेटा जो n का वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा v अपॉन 2πr, यस। कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, सर वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा v अपॉन 2πr के बराबर, और अभी मैंने आपको बोला था जो v होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n होता है, और जो r होता है वो n स्क्वायर बाय z होता है, यहां से अगर आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की बात करोगे वो जाएगा z स्क्वायर बाय n क्यूब, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, z स्क्वायर बाय n क्यूब। जे एडवांस में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है ना, डायरेक्ट पूछा गया है कि जो रिवॉल्यूशंस होते हैं पर सेकंड वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डन। और आगे चलिए, फिर उसके बाद अगर मान लो मैं ये निकाल लूं कि टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, अगर उस इलेक्ट्रॉन को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है तो दादा कितना टाइम लगेगा, वो कैसे निकाले, वो सेम फॉर्मूला, टाइम क्या होता है, टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा, टाइम को मैं टी से दिखा देता हूं, टाइम इज इक्वल टू क्या, या वेलोसिटी ले लो ना वापस, वी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr डिवाइड बाय टाइम, तो यहां से टी का वैल्यू मिलेगा 2πr अपॉन वी, यस, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो v अपॉन 2πr था, ये 2πr अपॉन v है, तो ये जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको n क्यूब बाय z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n क्यूब बाय z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। ये ऐसी चीजें हैं बेटा, छोटी छोटी चीजें जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। और देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी की, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें से, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
किसकी बात करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो आप लोगों को पता है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो होती है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये इस फॉर्मूले से आई है, है ना। अभी मैंने आपको बताया था, यहां से देखो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे के जेड स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा आपको, ठीक है ना, यहां से आपको मिल जाएगी वैल्यू। ये जो नेगेटिव साइन है बेटा पोटेंशियल एनर्जी में माइनस, ये किसको बताता है, ये दिखाता है अट्रैक्शन को। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब अट्रैक्शन को दिखा रहा है। बात कर लेता हूं मैं टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अगर आप ये सारी चीज ऐड करोगे तो दादा टोटल एनर्जी आपको कितनी मिलेगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर, ये आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी। रिलेशन है वो काफी बार पूछा गया है, अगर आप इस रिलेशन को गौर से देखें तो मैं कैसे कह सकता हूं क्या, कैसा मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, चेक करना जरा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है, चेक कर लो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, होता है। और दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होती है मोड ऑफ टोटल एनर्जी के, चेक कर लो भले। यस, अरे देखो मुन्ना दादा चेक करना यार, सही कह रहा हूं क्या मैं। अब बात कर लेते हैं nth ऑर्बिट में एनर्जी। यस, nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो होता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस, ये आपको मिलती है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n है यहां पर शेल नंबर, z है यहां पर आपका एटॉमिक नंबर। एक चीज और देख लो दादा, क्या देखना है, हमें पता है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है, तो अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो वो जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। और अगर आप इसको कैलरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हमें पता है कि 1 कैलरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है ना, इसको लगभग आप 4.2 जूल लिख सकते हो, तो इसको 4.2 से डिवाइड कर देना, आपको वैल्यू मिल जाएगी किसमें, कैलरी में मिल जाएगी, है ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, एनर्जी का जो बेटा ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलते हैं, जो पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, इस बात की अपनी गारंटी है। डन। और देखिए अगर मान लो इस फॉर्मूले से मैं बात करूं, इस फॉर्मूले की मैं बात करूं, और यहां से अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालूं तो आप लोग कैलकुलेट करना, वो मिलेगा माइनस 13.6, है ना, हाइड्रोजन के लिए, ना फॉर हाइड्रोजन हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिकॉज जेड का वैल्यू 1 हो जाता है ना। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1, वो कितना मिलेगा, माइनस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कितना मिल गया, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, अगर मैं सेकंड शेल की एनर्जी निकालूं, माइनस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर मैं थर्ड शेल की एनर्जी निकालूं तो माइनस 13.6 इनटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर आएगा जेड स्क्वायर, ये माइनस 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। अब अगर आप फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालोगे तो ऐसे निकालते रहना। क्या चीज है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट यह है कि फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी थर्ड से ज्यादा होगी, थर्ड की सेकंड से ज्यादा होगी और सेकंड की फर्स्ट से ज्यादा होगी, यह कहानी चलती जाएगी। मतलब न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि E2 माइनस E1 का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद E3 माइनस E2 आएगा, फिर उसके बाद E4 माइनस E3 आएगा, है ना, ऐसे चलता रहेगा, E5 माइनस E4 आएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, दो शेल्स के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जा रही है लेकिन दो ऑर्बिट्स के बीच, दो शेल्स के बीच एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो धीरे धीरे कम होता जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यस, याद रहेगा, है ना। एक आधी चीज और है, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, एक टर्म होती है ना, एक आधी चीज और है, तो ये कहां से आ गई भाई, ये कहां से आ गई, है ना। हाँ, इस वाली स्लाइड पे लिख देते हैं, इसको होमवर्क को हटा देते हैं, ऐसी क्या बात है ना।
ऐसी क्या बात है, एक टर्म होती जिसको बोला था क्या, जिसको बोला था आयनाइजेशन एनर्जी। दादा क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों, क्या होता है फॉर्मूला? आयनाइजेशन एनर्जी होती है ई इन्फिनिटी ई माइनस ई वन। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से हटा के, फर्स्ट शेल से हटा के कहां लेके जाना है? इन्फिनिटी पे लेके जाना है। कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा? यस, अब देखो इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होती है वो तो जीरो होती है, और फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होती है माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, मतलब वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आपको यहां से जो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का, वो पता होना चाहिए, प्लस 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 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारे लोग इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यस, याद रहेगा क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है दादा। अब मान लो इसकी क्या मिलता जुलता भाई है, इसी की बहन है, सेपरेशन एनर्जी। यस, सेपरेशन एनर्जी। बेटा सेपरेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, यस, आपका वो किसी एक शेल में घूम रहा है, यस, वो किसी एक शेल में घूम रहा है, nth शेल में घूम रहा है, इसको वहां से उठा के डाल देना है कहां पर? इन्फिनिटी पे, है ना। इलेक्ट्रॉन को nth शेल से हटा के इन्फिनिटी तक भेजना है, तो जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसी को बोला जाएगा क्या? सेपरेशन एनर्जी। और ये तो होता है बेटा जी जीरो, माइनस माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। तो आप यहां से इसको भी सॉल्व करके सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हो, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलो बोलो बोलो, अरे समझ में आ रही है दादा? यस, ये भाई कुछ फॉर्मूले हैं यार, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले के बिना काम चलता ही नहीं है, तो यहां पर भी नहीं चलेगा। डन। अच्छा, फिर उसके बाद एक और छोटा सा फॉर्मूला आप लोग और ध्यान रखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना, कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है बेटा N2 से N1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस वो बना सकता है? फॉर्मूला होता है दादा N2 माइनस N1 इनटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले को याद रखें और खुश रहें। यस यस, याद रह जाएगा, ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है, है ना। N2 माइनस N1 प्लस N2 माइनस N1 इनटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, है ना। इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहे तो स्पेक्ट्रल लाइंस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, वो मैन्युअली भी आप लोग निकाल सकते हैं, ना, मैन्युअली भी आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि यार इसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी? थ्योरी की, ठीक है ना, ये बात होगी किसकी? थ्योरी की। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? क्वेश्चंस की। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस बोर एटॉमिक मॉडल में कर लेते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट फिर। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, फटाफट से चेक कर लेते हैं क्या लिखता है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लिखता है द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। कौन से ऑर्बिट की जो रेडियस है वो सेम है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के, ठीक है ना। तो एक बार के लिए चेक कर लेते हैं, देखो क्या कहना चाह रहा हमसे। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, देखो 0.529 इनटू एन स्क्वायर बाय जेड। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, एन इज इक्वल टू वन दे रखा है, जेड भी वन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होगी 0.529। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है ऐसा कौन सा ऑर्बिट है जिसकी रेडियस 0.529 आ रही है ना। तो आराम से कर सकते हो आप, देखो बेरिलियम 3+, यस बेरिलियम 3+ दे रखा है जनाब, एन का वैल्यू 2 दे रखा है, बेरिलियम का जो जेड होता है वो 4 होता है। आप R का अगर फॉर्मूला लगाओगे सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 0.529 इनटू 2 का स्क्वायर और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4। यस, तो ये भी कितनी मिल रही है? 0.529 ही मिल रही है, और इन दोनों में जो रेडियस आ रही है बिल्कुल सेम आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, खत्म। यस, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज एक्स, द रेडियस ऑफ बोर्स सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज, यस। ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं, जब आप लोग पीवाईक्यूज करोगे तो उसमें आपको पता भी लगेगा। देखो जनाब रेडियस का फॉर्मूला लिख दो आप, तो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। मैं ऐसे कह सकता हूं जो रेडियस होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड होगी, बोलो, लिख सकते हैं। अब यहां पर कंपैरिजन किस किस के बीच करना है दादा? हीलियम प्लस और हाइड्रोजन के बीच करना है, तो आप ऐसे लिख दोगे रेडियस ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू
एन स्क्वायर अपॉन जेड किसके लिए? हीलियम प्लस के लिए, और एन स्क्वायर अपॉन जेड किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। क्या दिक्कत है? एन स्क्वायर कितना है? हाइड्रोजन सॉरी हीलियम प्लस का फर्स्ट ऑर्बिट दे रखा है, ठीक है, तो एन वन हो जाएगा और हीलियम का जेड होता है टू। चलो जी बहुत बढ़िया। और यहां पर बोर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो सेकंड ऑर्बिट मतलब एन का वैल्यू टू दे दिया, यस टू की पावर टू हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का जेड होता है वन। जो भी इसको सॉल्व करेगा वो कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। अब यहां पर कह रखा है कि ये x है, क्या कह रखा है? ये x है, तो बताइए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? आप कह दोगे सर ये 8x होगा, खत्म कहानी, इसमें क्या दिक्कत है? यस प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस, ये भी काफी सारे पूछे जाते हैं। आइए देखो एक और क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, है ना, हाइड्रोजन एटम दे रखा है जेड का वैल्यू 1 हो गया, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट, एन का वैल्यू 1 है और एनर्जी दे रखी है इसने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हमें पता ही है, दे क्या रखी है ना। और हमसे पूछता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, अरे दादा देखो यह है ग्राउंड स्टेट, यस है ना, ग्राउंड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू 1। जब मैं कहता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू 2, और जब मैं कहता हूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू 3, यस। तो हमसे थर्ड ऑर्बिट की रेडियस पूछ रहा है ना, तो हम लोगों ने देखो एन इज इक्वल टू 3 इसकी एनर्जी पूछ रहा, सॉरी रेडियस नहीं पूछ रहा। अब इसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वो होता था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यस इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आइए थर्ड का रेडियस कितना, एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, है ना, और इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा? -1.51। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हो जाएगा, बताओ नहीं है ना कोई दिक्कत। तो ये एनर्जी का क्वेश्चन था, रेडियस का क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए ये खुद से करना, फिर एनर्जी का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिया है ना, इसको खुद से करना, आगे बढ़ते हैं। हाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, स्पीड का। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ ऊपर नीचे घुमा के नहीं पूछेगा। कहता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, बोर फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड है वो एक्स है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन का स्पीड थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा? कुछ नहीं दे रखा तो हाइड्रोजन मान लिया करो, है ना, हाइड्रोजन दे ही रखा है यहां तो। अब वेलोसिटी आपको बताई थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड बाय एन के, फॉर्मुला याद करो 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकंड, यस। तो यहां पर देखो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, बताइए कह सकते हो आप? तो ऐसे लिख सकते हो ना, फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी वी वन और थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी वी थ्री, तो ये हो जाएगा एन 3 upon n 1, है ना, inversely proportional है ना n के। तो first orbit में velocity कितनी है? x, third में velocity हमसे पूछी है, sir 3 और यहाँ लिख दो 1, sir v3 कितना हो जाएगा? x by 3 हो जाएगा, yes yes बोलो बोलो बोलो, कह सकता हूँ क्या मैं? option number b correct है, खत्म कहानी, velocity is equal to velocity। ये अब सबसे important चीज क्या होती है ना, इसमें अगर आपको formula नहीं याद ना, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो भैया घूमते रहोगे क्वेश्चन के चारों तरफ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, है ना। फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लो, किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, सीधी सी कहानी इतनी सी है, डन। चलिए जी अब आपके सामने होंगे पीवाईक्यूज, और जनाब ये सारे के सारे पीवाईक्यूज तुम्हें खुद से करने हैं, है ना। देखो ये क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज एक्स, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बॉमर सीरीज आपसे पूछा है ना। फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा रखा है, आर जेड स्क्वायर 1/N1² -1/N2², है ना। और लाइमन सीरीज में कहता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम है, इसका मतलब एनर्जी मैक्सिमम है, और एनर्जी मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से, लाइमन मतलब फर्स्ट में आ रहा है, मेरी बात तुम समझ गए हो, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से सॉल्व करना है, डन। और देखो 2023 का एक और क्वेश्चन है, रेडियस का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया ही था, है ना, इसको निपटा देना, इसको खत्म कर लेना। फिर उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी रेडियस का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, ये मैं आपको पीवाईक्यूज दे रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये वाला क्वेश्चन है, इसको ये 2021 में पूछा गया, इसको भी सॉल्व करना जरा, यस। और एक और क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, कुछ पीवाईक्यूज मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, है ना। चलो एक और देख लो, बिल्कुल सिमिलर जो अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, मतलब बताया था ना क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है ये वाला भी, डन। चलो 19 का भी कर ही लो फिर यार, तुम ले लो होमवर्क, ले लो, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा,
एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप लोगों ने सेशन एकदम बढ़िया ढंग से देखा है और सारी चीज अगर आप नोटिस करते जा रहे हो तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं भाई। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने आप में बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, मैं बार बार आपसे कहता जा रहा हूं। यस, चलिए फिर, तो ये हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले कि यार बोर्स एटॉमिक मॉडल ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है ना, लिमिटेशंस की बात करने वाले हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आपके सामने कुछ लिमिटेशन लिखी कि सबसे पहली चीज, जो बोर एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो बोर एटॉमिक मॉडल हाथ खड़े कर देता है, वो आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना। तो ये सबसे पहला लिमिटेशन है। अच्छा, दो छोटी छोटी चीजें और है बेटा, एक है ज़ीमेन इफेक्ट, एक है स्टार्क इफेक्ट। इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। ज़ीमेन इफेक्ट क्या होता है? ज़ीमेन इफेक्ट का मतलब होता है जब आपकी स्पेक्ट्रल लाइन को आप मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हो। Yes, एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो स्प्लिट कर जाती है, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमेन इफेक्ट। अब ये आपकी स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों कर गई, इसका कोई जवाब बोर के पास नहीं था। और एक था स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क में भी मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं। क्यों कर जाती है, किसी ने पूछा उससे, बोला मुझे नहीं पता है ना। तो ये भी इसके आगे बढ़ के एक और लिमिटेशन हो गई। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे जो हम लोगों ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा था, हमने ये बोला था कि अगर मान लो ये है N2 और ये है N1 है ना, N2 is equal to 2 ले देता हूं, N1 is equal to 1 ले देता हूं। इलेक्ट्रॉन आपका N2 से N1 में आ रहा है, एक ट्रांजिशन शो कर रहा है। यस, N2 से N1 में आ रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि एक स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है। बताइए, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है। यस, लेकिन ऐसा देखा गया जब आपने हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा, किससे, हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो आपको एक चीज दिखी कि ये स्पेक्ट्रल लाइन एक नहीं थी बल्कि एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास थी। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन एक से ज्यादा क्यों थी, जब एक ही ट्रांजिशन हुआ है तो वहां पर एक ही स्पेक्ट्रल लाइन होनी चाहिए थी, है ना। N2 से 2 से 1 में आया है तो बोर के अकॉर्डिंग एक ही होगा, लेकिन एक से ज्यादा थी जब हमने हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी बोर के पास नहीं था, है ना। तो ये भी इसकी एक और लिमिटेशन बन गई। डुप्लेट, जैसे मान लो दो लाइंस पास पास हैं तो उसको डुप्लेट नाम दिया, तीन लाइन पास पास है तो उसको ट्रिप्लेट नाम दिया। यस, इस तरह से। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन करता है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने धज्जियां उड़ा दी थी इसकी, बोर एटॉमिक मॉडल की। तो क्या था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी भी हम लोग बात आज ही क्लास में करने वाले हैं ना। तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ थी इसमें, और बहुत जबरदस्त गड़बड़ थी। यस, चलिए फिर। अब इसके बाद जब बोर का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया तो अब लोगों ने सोचा कि यार इसका मतलब हम भी कुछ कोशिश करते हैं और, है ना, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। बोर तो फेल हो गया, जैसे मान लो थॉमसन फेल हुआ था तो रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड फेल हुआ था बोर आया था। अब बोर अगर फेल होगा तो फिर साइंटिस्ट लगे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ नया निकालने की कोशिश करेंगे। और वहीं से एक भाई साहब थे, उनका नाम था डी ब्रोगली, है ना। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज बोली कि यार जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ड्यूल नेचर शो करती हैं, क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ड्यूअल नेचर शो करती है, वैसे आपका जो मैटर होता है वो भी ड्यूअल नेचर शो करेगा, उसकी पार्टिकल नेचर भी होगी और उसका वेव नेचर भी होगा। ये बात बोलने वाला डी ब्रोगली सबसे पहला इंसान था। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल तो है ही, ऑब्वियस है, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी है, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव भी एसोसिएट है जो उसकी वेव नेचर को बताएगी। एकदम से तहलका मच गया, बोले ये क्या बात हुई, इलेक्ट्रॉन की वेव का क्या मतलब है, है ना। लेकिन उन्होंने सबसे पहली चीज बोली, और उन्होंने किसी भी मैटर के साथ, किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होता है उसका फॉर्मूला भी दे दिया कि भाई ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि ये किनके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है, उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन हमें स्टेटमेंट पता होना चाहिए डी ब्रोगली ने क्या बोला। डी ब्रोगली ने बोला कि जो मैटर होता है उसकी भी ड्यूअल नेचर होती है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ड्यूअल नेचर होती थी, पार्टिकल एज वेल एज वेव, वैसे ही आपका जो मटेरियल पार्टिकल होगा वो भी ड्यूअल नेचर शो करेगा। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है, ठीक है। अब वो उसने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, फॉर्मूला डिराइव करना उसके लिए बहुत ही आसान था। एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होता है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है। यस,
इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, आइंस्टाइन इक्वेशन है तो, है ना। और एक और फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू एचसी बाय लैम्डा। इन दोनों इक्वेशन को उसने इक्वेट किया, यस, इक्वेट करने के बाद उसको एक रिजल्ट मिला कि जो लैम्डा का फॉर्मूला होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इनटू सी होता है, मैंने वी लिख दिया है ना, जनरलाइज कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वी। यस सर, यहां पर लैम्डा क्या है? ये जो लैम्डा है, दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, लैम्डा एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल, है ना, जो आपका पार्टिकल है उसके साथ जो लैम्डा एसोसिएटेड है उसी को डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहा जाता है ना। तो जब भी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। यस, बाकी तो सारी चीज आपको बताइए। एच क्या होता है जी? एच होता है जनाब प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू सारी दुनिया जानती है। यस, आपका जो एम है ये होता है मास, यहां पर गलती कर दोगे मुझे पता है, ये मास केजी में होना चाहिए दादा। यस, और ये जो वी है, वी इज योर वेलोसिटी, है ना, वी क्या है, वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी किसमें होना चाहिए, मीटर पर सेकंड, मतलब ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही यूनिट्स आपको लेके काम करना है। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला। अब आप लोग बोलोगे सर हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है फिजिक्स में कि जो मोमेंटम होता है एम इनटू वी होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल होता है। तो सर इसका फॉर्मूला ऐसे भी तो बन सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वी और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वी, मैंने कहा भाई ये लिख दे, क्या दिक्कत है ऐसे, है ना। क्वेश्चन में अगर मोमेंटम पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दे, और मास वेलोसिटी में रिलेशन पूछा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या कुछ? यस, पक्का? चलो फिर आगे आ जाओ, आगे आओ फिर। अच्छा, यहीं पर देखो, अभी आपने एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एमवी स्क्वायर होता है, भाई ये तो सारी दुनिया जानती है यार, है ना। तो यहां से एमवी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया, 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी, मैंने इसको एमवी का होल स्क्वायर कर दिया, मतलब एम से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन। जैसे ही मैं एम से मल्टीप्लाई करूंगा ये मिल गया 2m काइनेटिक एनर्जी। यस, तो यहां से देखिए एमवी का वैल्यू कितना मिला है, सर वो मिला है 2m काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे भाई लैम्डा का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले तूने लिखा था एच अपॉन एमवी, तो क्या एमवी की जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है 2m काइनेटिक एनर्जी? मैं कहूंगा भाई बिल्कुल लिखा हो सकता है, इसमें कोई परेशानी तुझे नहीं है। एक और फॉर्मूला है आपकी स्क्रीन पर, इसको भी आप लोग याद रखें। अगर क्वेश्चन में आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कभी पूछे, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बनाने की कोशिश करें, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अगर मान लो आपका कोई एक चार्ज पार्टिकल है, कैसा है सर, चार्ज्ड पार्टिकल है, तो मेरे भाई एक बात बताना यार, चार्ज पार्टिकल के लिए तूने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इनटू वी, सर ये वी वेलोसिटी है क्या? नहीं मुन्ना, ये वी वेलोसिटी नहीं है, तो क्या है बताओ? सर ये है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या है? एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, है ना। एक चार्ज पार्टिकल था, उसने आपको, आपने उसको वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, तो वो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? क्यू इंटू वी। ठीक है, तो सर इसका मतलब एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, तो काइनेटिक सॉरी लैम्डा का बिल्कुल मिल गया, क्या? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। यस, ये भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो अंडर रूट 2m क्यू वी ये भी लिख सकते हो। देख रहे हो आप, जबरदस्त फॉर्मूला है ना। और ये वाला जो लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा है ना, इस पे जे मेंस में क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ लिया, बोले एक 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 क्यू चार्ज का पार्टिकल है, वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हो, बताओ उसके साथ जो लैम्डा एसोसिएट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो भैया जिसने ऐसे नोट्स बढ़िया से बना रखे हैं, है ना, अच्छे से कॉपी वॉपी पड़ी हुई है, तो वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना था उसको, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है? यस, बताइए जरा, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मान लो आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन का लैम्डा निकालो, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे सर एच की वैल्यू हमें पता है, टू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, तो अगर ये सारी चीज डाल दो और अगर हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे दे तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। भाई ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है ना, एच कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है, वी। तो आप क्या करो, यहां पर ये जो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू निकाल दो, इनकी वैल्यू लिख दो, और अगर आप सॉल्व करोगे ना तो मुन्ना डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, याद करेगा तो मुझे, ये वाला फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट वी। किसका लैम्डा है? ये इलेक्ट्रॉन का, याद कर ले बस, है ना। यहां पर वी वेलोसिटी नहीं है, बस ये ध्यान रखना, वी वेलोसिटी नहीं है, या वी क्या है? पोटेंशियल। सर ये फॉर्मूला कहां से आया और ये वैल्यू किसमें मिलेगी? एंगस्ट्रॉम में। कहां से आया? यहां से आया फॉर्मूला, इसमें सारी चीज मैंने पुट कर दी,
सर इसको क्यों याद रखें, हम तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसमें वैल्यू डाल के। बेटा सॉल्व करेगा ना 5 मिनट लगेगी, इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेगा ना 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। और यहां पर खेल किसका है, स्पीड का खेल है भाई, स्पीड का खेल है, तो ऐसे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आओ सर ऐसे तो फिर एक आधा फॉर्मूला और भी बता दो। लो चलो बता देते हैं, अगर मान लो आपको लैम्डा निकालना है प्रोटॉन का, किसका प्रोटॉन का, तो वो जाएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट वी, एंगस्ट्रॉम में आएगी सारी वैल्यू। अगर मान लो आपको लैम्डा निकालना है एच ई प्लस, या फिर मैं ऐसे कह दूं अल्फा पार्टिकल एच ई टू प्लस, है ना, किसका निकालना है भैया एच ई टू प्लस अल्फा पार्टिकल, तो ये हो जाएगा बेटा 101 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। बताओ कोई परेशानी है तो बता दो, परेशानी इसमें कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ खेल इतना सा है कि आपको ये जो वैल्यूज हैं ये याद होनी जरूरी है, है ना। अगर ये वैल्यूज नहीं पता फिर भैया काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। डन, चलिए, है ना। यहां पर जितना भी वी है वो सब में वी क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। ठीक, अच्छा, अब अगर कोई कहे सर मैं न्यूट्रॉन के लिए कैसे निकालूंगा, बेटा जो जिन पे चार्ज नहीं होता ना, जिन पे चार्ज नहीं होता उन पे आप जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले बताए थे ना, उनमें से कोई भी फॉर्मूला काम में ले सकते हो, जैसे ये वाले 3 फॉर्मूले, इनमें से जो भी आपको मर्जी हो वाला फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डन। अच्छा देखो, एक और फॉर्मूला होता है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए लैम्डा काम में लिया जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3mkT, है ना। एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है, यहां पर जो टी है वो टेम्परेचर है, केल्विन में होना चाहिए, यस। यहां पर जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यस, 1.38 × 10⁻², यस, इसका वैल्यू होता है मेरे हिसाब से, आप लोगों को पता ही है। ये लैम्डा किसके लिए है, ये लैम्डा आप निकाल सकते हो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन में गैस मॉलिक्यूल्स का लैम्डा पूछे आपसे, तो उसका आप लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3mkT लिख सकते हो, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये अगर याद रखोगे तो सुखी रहोगे और आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना। डन, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, सब कुछ बढ़िया, यस। चले फिर आगे चले, आइए फिर इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, आओ फिर करो साहब क्वेश्चन कर लो, ऐसी क्या बात है। देखो जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पढ़ो। देखें क्वेश्चन लिखता है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग, ये वाह क्या बात है, वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी दे दी इतना मीटर पर सेकंड। देखो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ तो आज तक सिर्फ और सिर्फ किसने बताई है, डी ब्रोगली ने बताई है, मेरी बात समझ में आई। तो बस हमसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है, लैम्डा का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, यस। तो एच की वैल्यू आप लोग डाल देना 6.62 × 10⁻³। इलेक्ट्रॉन का मास सारी दुनिया जानती है 9.1 × 10⁻³, और वेलोसिटी 5.31 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। सारा सब कुछ अगर आप लोग एसआई यूनिट में डाल रहे हो तो लैम्डा भी किसमें मिलेगा, एसआई में, बोले तो मीटर में मिलेगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या यार, यस, हाँ ना बोलना पड़ेगा दादा, क्लियर है ना यहां तक, यस। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी स्पीड लगेगी, साहब काफी तेज जा रहे हो, लेकिन भैया रिविजन है और रिविजन में तो तेज जाना होता है, यस, नहीं क्या, रिविजन बोल दो, या फिर बैकलॉग कंप्लीट करना है तो इसको खत्म करने के लिए 10 घंटे थोड़ी लगाओगे, 10 घंटे में तो पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ढंग से, नहीं क्या, बैकलॉग तो जल्दी जल्दी क्लियर होता है ना। और जिनको रिविजन करना है उनके लिए तो सबसे बढ़िया है, क्वेश्चन ये थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, सर काम बन गया अपना, बताओ सही है। आओ फिर आओ क्वेश्चन करते हैं, लिखता है टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस Mn2m हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा, तो यार दिखती सी बात है ना, ये मेरे से रिलेशन पूछना चाह रहा है किस किस के बीच, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच, है ना। अब सोच, कहता इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी उड़ गया, मैं ऐसे कह दूं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, दादा बोल, यस, ऐसे लिख सकता हूं। तो देख, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन के बराबर, यस। अगर मैं मान लेता हूं इसको एम वन है, ये एम टू है, तो क्या होगा, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू ये हो जाएगा, एम टू कितना है टू और एम वन कितना है एम, तो सर ये तो मिला है सर अंडर रूट टू, बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है, यस। काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी तो हमने डायरेक्ट
मास का रेशियो निकाल लिया, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन m1, और क्वेश्चन हो गया बढ़िया ढंग से खत्म। बताओ कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको तो आप लोग ऐसे खड़े खड़े निपटा सकते हो। यस 2021 जेई मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए आइए आइए, क्या कहता है, लिखता है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, लो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया इंटू 10^3 वॉट वोल्ट। यस, और हमसे पूछा है लैम्डा, बताओ लैम्डा, बताओ लैम्डा में अभी बताया था लैम्डा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है अंडर रूट वी, ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, और जैसे ही एंगस्ट्रॉम में आए इसको कन्वर्ट कर देना किस में, इसको कन्वर्ट कर देना मीटर में, कहानी खत्म। बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। यहां पर यह भी दे रखा है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 10^4, है ना, तो यह मिल जाएगा, यह मिल जाएगा सर अंडर रूट ऑफ 4 × 10^4। सर ये तो बहुत आसान हो गया सर, देखो 12.27 तो है ही, और अंडर रूट 4 करोगे तो 2 मिलेगा, और इसका अंडर रूट करोगे तो 10^2 मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, एंगस्ट्रॉम को तो लिख दे मीटर में, 10^-10 मीटर, बस इसको सॉल्व करना है। यस, इसको सॉल्व करना है, मेरे हिसाब से लगभग 6 के बराबर इसकी वैल्यू आने वाली है ना। ये जो x ले रखा है ना, x इंटू 10^-2, ये देखो ना, ये 10^2 है, ऊपर जाएगा 10^-2 हो जाएगा, तो 10^-10 पहले से था, -2 और हो गया तो -12, और ये इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, नियरेस्ट इंटी 6 पॉइंट कुछ समथिंग मिलेगा, है ना, नियरेस्ट इंटीजर में 6 आ जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला पता था जिसको वो 30 सेकंड में क्वेश्चन निपटा देगा। यस, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। यहां पर एक छोटा सा आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है, एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है 2πRn इज इक्वल टू एन लेमडा। यस, 2πRn इज इक्वल टू एन लेमडा। अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये रिलेशन काम में आएगा। यस, ये रिलेशन काम में आएगा, 2πRn इज इक्वल टू एन लेमडा। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2πR1 इज इक्वल टू लेमडा, अगर वो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2πR2 इज इक्वल टू 2 लेमडा, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2πR3 इज इक्वल टू 3 लेमडा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा, वो बराबर होती है n के, है ना। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक वेव बनाएगा, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2 वेव बनाएगा, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 3 वेव बनाएगा। सर ये कैसे हो गया, देख दादा ये पढ़ाया था ना तुझे, ये होती है वेव, वेव में अगर यहां से यहां जाएगा उसी को बोला जाएगा एक वेव, दिस इज योर वेव, है ना, यहां से यहां, और ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है लैम्डा, है ना, एक वेव का मतलब एक लैम्डा कह सकता हूं मैं। तो 2πRn मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में घूमेगा तो टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सर वो 2πR डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, 2πRn मतलब इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो nth ऑर्बिट में। और अगर ये अगर मैं कह रहा हूं कि n लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब इस ऑर्बिट में घूमते हुए इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और इतनी डिस्टेंस में n लैम्डा है, n नंबर ऑफ वेव्स है, मेरी बात समझ में आई, n नंबर ऑफ वेव्स है, n लैम्डा है, 1 लैम्डा मतलब 1 वेव, तो n नंबर ऑफ वेव्स है मतलब n लैम्डा है। ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट भी चाहें तो याद रख सकते हैं। डन, समझ में आई बात, है ना। तो यही वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में काम में आएगा, लगाइएगा अपना दिमाग और सॉल्व कीजिएगा, बाकी तो मैं आपको होमवर्क दे ही देता हूं, ठीक है ना। ये वाले होमवर्क है, देखो 2016 क्वेश्चन है, इसी की मैं बात कर रहा था, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। हाँ, अब एक चीज और देखो, अगर मैं बात करूं इसकी सिग्निफिकेंस की, सर डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और ये किन किन के लिए एप्लीकेबल है, क्या सबके लिए एप्लीकेबल है क्या, मैं क्या देख लेते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमबी। यस, आप खुद सोच के देखो, अगर एम का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो जो आपका लैम्डा होगा उसका वैल्यू बहुत कम होगा। यस, तो अगर आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है
और अगर मैं उल्टा लिख दूं, है ना, जब m बहुत कम है तो लैम्डा काफी ज्यादा होगा, जब आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जब आपका छोटा पार्टिकल है तो सर मास कम होगा, उसका लैम्डा अच्छा खासा होगा जिसको मेजर किया जा सकता है, एक अप्रिशिएबल वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर मान लो कोई एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, यस फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है ना, तो सर वहां तो मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, और मास बहुत ज्यादा है तो सर जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी, इतनी छोटी होगी, इतनी इनसिग्निफिकेंट होगी कि उसको मेजर किया जाना पॉसिबल नहीं है, यस, या फिर इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू आपको मिलने वाली है, है ना। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली, यस, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, गैस का मॉलिक्यूल हो गया, इनके लिए ही डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफाइन की जाती है। अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, क्रिकेट की बॉल है, आप हो, मैं हूं, और भी अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, है ना। तो वैसे ही आप लोगों में से कई लोग जो हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, बोले सर हम भी तो पार्टिकल हैं, यस, तो हमारे साथ भी कोई वेव एसोसिएट होनी चाहिए अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, तो होता है, लेकिन बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गई बात, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्लियर है, ये चार पांच फॉर्मूले हैं, यही डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ध्यान में रख लिया, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अपनी गारंटी है। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद एक और भाई साहब आए, इनका नाम था हाइजेनबर्ग, है ना, इन्होंने बहुत और जबरदस्त तहलका मचा दिया, इन्होंने एक बहुत ही शानदार चीज बोल दी। क्या कहा इन्होंने, इनका यह कहना था कि अगर मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की पोजीशन और उस पार्टिकल का वेलोसिटी, क्या कह रहा हूं, पार्टिकल का पोजीशन और उसका वेलोसिटी 100% एक्यूरेसी से, 100% एक्यूरेसी से आप लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते, एक साथ आप दोनों चीजें कभी भी 100% एक्यूरेसी से नहीं बता सकते। अगर एक एक्यूरेसी से बताओगे तो दूसरे में एक्यूरेसी अनएक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, दूसरे में अगर एक्यूरेसी बढ़ाओगे तो पहले वाले में कम हो जाएगी, है ना। यह चीज किसने बोली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोली, ठीक है। और यहां पर उन्हें एक रिलेशन भी दिया, इन्होंने एक रिलेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है और उसका जो मोमेंटम होता है बेटा, उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो एच अपॉन 4π के इक्वल या फिर उससे ज्यादा होगी, है ना। ये चीज किसने बोली, ये बोली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही है इक्वेशन जिसपे न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो आपको सॉल्व करके आने पड़ेंगे, है ना। देखो यहां पर ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है साहब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, किसमें है, अनसर्टेनिटी पोजीशन में, ठीक है। और डेल पी क्या है सर, ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, बताओ समझ में आ गई बात। तो इन दोनों में अनसर्टेनिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एच अपॉन 4π के बराबर या फिर उससे ज्यादा होगा, है ना। अब इसी में अगर मान लो मैं पी की बात करूं, पी क्या होता है बेटा, एम इंटू वी होता है, तो डेल्टा पी एम इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। मास में तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती ना यार, मास तो फिक्स होता है, तो एम इंटू डेल्टा वी यहां डाल दो तो फॉर्मूला बन गया डेल एक्स एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4π। अब यहां पर देखो डेल एक्स इंटू डेल वी, ये रिलेशन बन गया एच अपॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm, यस ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm। इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बनने वाले हैं, मैं फिर कह देता हूं यहां पर फिर से गलती करोगे, क्या गलती करोगे कि मास को ग्राम में रखोगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमें आदत होती है मास को ग्राम में रखने की, है ना बेटा, वो ग्राम में नहीं आएगा, किसमें आएगा, केजी में आएगा, किसमें लिखना है, किलोग्राम में लिखना है, बताइए क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई परेशानी है ना, नहीं होगी मेरे हिसाब से, बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही आसान चीज है। हालांकि इसकी कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं, है ना, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं इसकी, लेकिन वो उसका कोई काम नहीं है हमारे यहां, है ना, ये इसी से हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो बनने वाले हैं, इसी और किसी का कुछ काम नहीं। देखो कई बार ना एक ऐसा साइन बना होता है बेटा, है ना, इसका मतलब क्या है, एच अपॉन 2π, है ना, इसका मतलब क्या है, एच अपॉन 2π, है ना, ऐसा अगर साइन आपको कहीं पर दिखा हुआ मिले तो, है ना, ठीक है, दिख जाए तो अब खुद सोच के देखो, हाँ, अब आप खुद सोच के देखो कि
जब आपका हाँ चलो पहले सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। देखो रिलेशन अभी मैंने लिखा है डेल एक्स इंटू डेल वी एच अपॉन 4πm, है ना। अब खुद सोचो अगर आपका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, वापस से समझ लो, अगर आपका पार्टिकल कैसा बेटा मैक्रोस्कोपिक है, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में मास बहुत ज्यादा होगा, और अगर मास बहुत ज्यादा होगा तो देखिए जो आपका अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये बहुत ही कम होगा, है ना, इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर मान लो आपका पार्टिकल छोटा है, कैसा है छोटा है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर मैं बात करूं उसका मास काफी कम होगा, उसके मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन और वेलोसिटी में वो काफी हाई होगी, जिसको आप लोग मेजर कर सकते हो, एक अच्छी खासी वैल्यू मिलेगी, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलेगी, है ना। यस, जैसे कोई कहे कि अगर सर मान लो मैं घूम रहा हूं किसी पाथ पे, है ना, तो मेरी पोजीशन और मेरी वेलोसिटी क्या एक साथ नहीं बताई जा सकती क्या? बिल्कुल बताई जा सकती है, है ना। क्यों? क्योंकि हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, हमारी पोजीशन, हमारी अनसर्टेनिटी, हमारा मास बहुत ज्यादा है, तो जो डेल एक्स और डेल्टा वी का वैल्यू आएगा वो बहुत ही कम आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, इलेक्ट्रॉन एक पाथ पे घूमे जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक एक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी 100% एक्यूरेसी से आप नहीं बता सकते। डन। अच्छा तो सबसे पहली चीज तो ये भी आप लोग लिख दोगे कि सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। समझ में आ गई बात? सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली, बताइए सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। डन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक चीज और देखो, ये न्यूक्लियस है, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है इस पाथ पे। यार देख पाथ कैसे बनता है ना, पाथ आप तभी बता सकते हो जब आपको पोजिशन और वेलोसिटी एग्जैक्ट पता हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, तभी आप पाथ बता सकते हो। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, आपने कहा भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहां है और 5 मीटर पर सेकंड से इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तभी तो बता सकते हो ना कि 5 सेकंड बाद वो कहां जाएगा। फिर आप बोलोगे साहब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहां है और वो 10 मीटर पर सेकंड से इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप बता दोगे कि 10 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। यस, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो जनाब ये पाथ कब बताया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन का पाथ तभी बताया जा सकता है जब आपको उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दोनों 100% एक्यूरेसी के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे पता हो। और हाइजेनबर्ग ने कह दिया नहीं पता लगा सकते, है ना, जब पता नहीं लगा सकते तो आपने पाथ कैसे बता दिया। ये जो अपना बोर था ना, नील्स बोर, उसने तो पाथ सब बता दिया था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ पाथ पे घूमेगा, पाथ की एनर्जी भी दे दी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एनर्जी लेवल, पता नहीं क्या क्या ढिमका फलाना सब कुछ दे दिया उसने। और ये हाइजेनबर्ग आके एकदम मरमानों पे पानी फेर दिया, इसने बोला भैया पाथ बता ही नहीं सकते, है ना, जब पाथ नहीं बता सकते तो ऑर्बिट नहीं होगा, कुछ ऐसा फिक्स ऑर्बिट नहीं बता सकते, है ना, कि यहीं पर घूमेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो जो रेडियस वगैरह कैलकुलेट करी थी उसका कोई काम नहीं है, है ना। तो ये चीज थी जो हाइजेनबर्ग से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था, किसका, बोर एटॉमिक मॉडल का, है ना, क्योंकि बोर ने ये सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया था, है ना, और वही आगे चल के उसके फेल्योर का रीजन बना, है ना, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, डन। आइए फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही आसान टाइप के, बहुत सिमिलर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है भाई, डेल्टा वी का वैल्यू निकालना है, ठीक है साहब। और कहता है इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, कितने ऑर्डर की है, 10^-10 meters। अब क्या ही बताएं, बताओ, फॉर्मूला तुम्हें पता है, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। और किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो जो मास है 9.1 × 10⁻³¹ kg लिख देना, बाकी सारी चीजें आपके पास है, डेल एक्स आपके पास है, सॉल्व करना और डेल वी का वैल्यू निकालना, बताओ निकाल लोगे क्या। मैंने सुना भाई तुम कैलकुलेशन में बहुत माहिर हो, हैं, मैंने सुना है कि कैलकुलेशन तुम ऐसे चुटकियों में निपटा देते हो, है ना। अगर ऐसा है तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करें। आइए फिर एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोस्कोप यूजिंग सूटेबल फोटॉन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो कहां किस डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इसका मतलब उसकी पोजिशन में जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी हो सकती है, 1 एंगस्ट्रॉम हो सकती है भाई, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर स्पेस में मिल रहा है लेकिन ये नहीं पता फिक्स कहां मिलेगा, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, 1 एंगस्ट्रॉम मैक्सिमम इतनी हो सकती है, यस, इसका मतलब ये कितना हो गया 10^-10 मीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है ना, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, डेल्टा भी पूछा है, अरे तो सेम ही क्वेश्चन हो गया है ना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4π हो जाएगा क्या, सॉल्व कर लोगे ना इसको, डेल एक्स आपको पता है, एच आपको पता है, 4π आपको पता है, पाई आपको पता है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, यस डन, चलो आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए माइक्रोस्कोप सेम क्वेश्चन है क्या, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, तो भाई सेम ही क्वेश्चन है तो हो चुका है, करना क्यों है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये रहा, ए गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम, है ना, ग्राम में आ गया बुन्ना, इसको केजी में कन्वर्ट कर लियो नहीं तो गलत हो जाना है वहीं पर, 10^-3 kg हो जाएगा, 4 × 10^-2, ठीक है दादा, और कहता है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 45 मीटर पर सेकंड है ना, बहुत सारे लोग लिख देते हैं डेल्टा वी है, नहीं ये वेलोसिटी है, डेल्टा वी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, हमें नहीं दे रखी अभी, आगे देखो क्या कहता है, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, अगर एक्यूरेसी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो गोल्फ बॉल की वेलोसिटी है वो आप विद इन 2% एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हो, तो ऑब्वियस है उसकी वेलोसिटी में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, 45% का 2%, बताइए, तो ये कितना हो गया 0.9, बताइए ये कितना हो गया 0.9, मेरी बात समझ में आई, बहुत सारे लोग यहां क्या करेंगे महानुभाव, वो क्या करेंगे, यहां पर बोला सर अनसर्टेन, ये तो एक्यूरेसी दे रखी है 2%, सर अनसर्टेनिटी 98% हो जाएगी, वो यहां 98 लिख देंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आप 1 किलोमीटर में ही लोकेट कर सकते हो, सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना, इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी लेट से 100 मीटर के एरिया में है, तो उसकी मेजरमेंट में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी भी कितनी होगी, 100 ही तो होगी, वो 100 से बाहर तो मिलेगा ही नहीं, तो उसके मेजरमेंट में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है, 100, यस, कह रहा है मैक्सिमम एक्यूरेसी 2% है, आप उसकी वेलोसिटी को फाइंड ही 2% एक्यूरेसी से कर सकते हो मैक्सिमम, तो अनसर्टेनिटी उस 2 के अंदर ही तो होगी, बाहर तो होगी नहीं, यस, तो ये 2% अनसर्टेनिटी दे रखी है बेटा, ध्यान रखिए उसको, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगी, गलत कर दोगे, अब ये 3 तरह के क्वेश्चंस थे, वो आपने अगर सॉल्व कर लिए तो बाकी क्वेश्चंस तो आप लोग बड़े आराम से निपटा सकते हो, होमवर्क है आपका, है ना, ठीक है जी, ये भी आपका होमवर्क है, कीजिएगा इसको, PYQ है ये तो, और ये भी आपका होमवर्क है, कीजिएगा, है ना, हम बात कर लेते हैं किसकी, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ किसका, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हो गया, अरे इसलिए फेल हो गया क्योंकि डी ब्रोगली बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूल नेचर का है, यस, बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का, बेचारा बोर जो था ना उसने इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर को कंसिडर नहीं किया था, यस, जब ड्यूअल नेचर कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसिडर किया था, तो जो प्रॉपर्टीज वेव नेचर की होती हैं उन प्रॉपर्टीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, यस, वो पढ़ी थी हमने, बोर कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना, वो हमने चीजें लिखी थी, ज़ीमेन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और डुप्लेट ट्रिप्लेट, ये क्यों, क्योंकि वो वेव नेचर को कंसिडर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर को करता है, तो गड़बड़ तो वहीं पे हो गई है, मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है, हाँ, तो पहला चीज तो ये, दूसरा अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसने तो बखिया उधेड़ दी बोर की, बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक पाथ पे घूमेगा, उसका नाम ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है, और जब तक एक पाथ में घूमेगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, नील बोर आया बोला ऐसे कोई पाथ पॉसिबल नहीं है ना, तुम मूर्ख बना रहे हो दुनिया को, यस, तो वो नील बोर के अकॉर्डिंग नहीं था, नील बोर जो था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, और हाइजेनबर्ग ने भी अपना प्रूफ दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो साबित हो गया कि भाई जो हाइजेनबर्ग है वो मतलब सही था, है ना, एक्चुअली हाइजेनबर्ग ने जब ये चीज बोली थी ना तो बेचारे का मजाक उड़ाया गया था,
है ना, ये जो आइंस्टाइन वाइंस्टाइन थे ना सब लोग, इन्होंने बोला अरे क्या बात कर रहा है, क्यों नहीं कर सकते भाई दोनों चीजें एक साथ, है ना। लेकिन उसने कैलकुलेशन से प्रूव कर दिया कि नहीं कर सकते, है ना, फिर एकदम उसका बड़ा नाम हो गया। आइए, जब ये सब कुछ हो गया तो एक नया मॉडल बना, एक नया मॉडल बना, और उस मॉडल को नाम दिया गया क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। ये क्वांटम मैकेनिकल वो मॉडल है, ये वो मॉडल है जो इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को कंसिडर करता है, है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका वेव नेचर भी रखेगा और साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखेगा। इस मॉडल इस चीज पे बेस्ड, ड्यूअल नेचर पे बेस्ड जो मॉडल था, दैट वॉज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन को एक 3D वेव की तरह कंसिडर किया गया था, है ना, जहां पर उसके कुछ कुछ उसकी कुछ एनर्जी होगी, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, साथ साथ में उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे एक 3D स्पेस में, है ना। और ये किसने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था, और ये कितना बड़ा काम था इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, है ना, जिसको वेव इक्वेशन भी बोला जाता है, और श्रोडिंगर इक्वेशन भी बोला जाता है, और वो जो आपका पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो बेस था किस पे, उसी इक्वेशन पे, ठीक है ना। और उस इक्वेशन के लिए इन भाई साहब को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था, है ना, तो तुम समझ सकते हो कि वो कितनी बड़ी बात थी, वो कितनी बड़ी चीज थी कि जिस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिल रहा है। यस, क्लियर, आओ। तो वो जो इक्वेशन थी वो कौन सी थी, एक बार के लिए देख लेते हैं। डी स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, है ना, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है भैया, ये इक्वेशन है, इसका नाम है डी ब्रोगली इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन को माना गया था एक 3D वेव, और एक्स वाई जेड थे उसके कोऑर्डिनेट्स, क्या थे बेटा, क्या थे, कोऑर्डिनेट्स थे, है ना। यहां पर एम मास है, सारी चीज आपको बताई है। ई जो है बेटा, ई है टोटल एनर्जी, क्या सी थी, टोटल एनर्जी, यस। और ये जो वी लिख रखा है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं वी वेलोसिटी है, नहीं, ये वी क्या है बेटा, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, क्या है यहां पर वी, क्या है दादा, पोटेंशियल एनर्जी है। एक नई चीज इसमें आई है जिसका नाम है साई। इस साई को क्या बोला जाता है, वेव फंक्शन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वेव फंक्शन बोला जाता है, डन। ये इक्वेशन थी, सोचिए कैसे डिराइव करी, क्या हुआ, इसका हमें बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो हमारे स्कोप से बाहर की चीज है, ठीक है ना, वो हम लोग नहीं देखेंगे। अब यहां पर इसी इक्वेशन को एक छोटी सी इक्वेशन में भी आप लोग तोड़ सकते हो, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, ये दोनों बात एक ही है ना, ये दोनों बात एक ही है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर साई से साई काट दो, अरे मूर्ख आदमी हो, ऐसे नहीं होगा। ये जो साई है, ये जो एच कैप है, ये क्या है, ऑपरेटर है, है ना, ये ऑपरेटर है, कौन सा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको क्या बोला था बेटा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, यस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। और ये जो साई है, साई से साई कैंसल आउट नहीं होगा, डन, क्लियर है। ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहां पर एक टर्म आई जिसका नाम है साई। सिग्निफिकेंस ऑफ साई आपकी स्क्रीन पर लिखा है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, आप लोग बोलोगे नहीं, है ना, साई का एज सच कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये साई जो है, ये एक वेव फंक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको उस इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, साई का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है, यस। ये क्या होती है, जैसे देखो हाइजेनबर्ग ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन के आप फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते, है ना, आप फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि यार इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा है ना। और एटम के अंदर वो स्पेस, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसी जगह को नाम दिया जाता है ऑर्बिटल, यस, है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको बोला जाता है ऑर्बिटल,
है ना। तो आपने क्या किया, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर आप साई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, इसका मतलब आपने इस न्यूक्लियस से इस सर्टेन डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दी। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन डिस्टेंस से कितनी है वो कौन डिफाइन करता है, साई स्क्वायर डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे साई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, है ना। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है साई स्क्वायर, और वो रीजन जहां पर साई स्क्वायर वैल्यू मैक्सिमम हो, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसी रीजन को बोला जाता है ऑर्बिटल, है ना, उसी रीजन को बोला जाता है ऑर्बिटल। ये चीज है बेटा, क्लियर है क्या, बात समझ में आई क्या आपको, बताइए, डन। अच्छा, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है बेटा क्वांटम नंबर्स, है ना। ये क्वांटम नंबर भाई काफी इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर क्वांटम नंबर होती क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ, है ना। तो देखो यार, क्वांटम नंबर्स चार नंबर का एक सेट होता है, कितने नंबर का, चार नंबर का, और इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन उन चार नंबर की हेल्प से आप बता सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता सकते हो, है ना, कुछ लोग लिखते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, उस शेल में, शेल के कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, और सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से पता लग सकती है, क्वांटम नंबर की हेल्प से पता लग सकती है, ठीक है ना। चार क्वांटम नंबर है, कौन कौन सी, एक सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुनाई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से दिखाया जाता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल से दिखाया जाता है, यस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से दिखाया जाता है, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर को एस या फिर एमएस भी लिखा होता है कई जगह पर, बात एक ही है, ठीक है ना। बताइए बताइए, क्लियर है। ये चार क्वांटम नंबर्स होती हैं, इनमें से ये जो तीन ऊपर वाले क्वांटम नंबर है, ये तो कहां से आई थी, डी ब्रोगली इक्वेशन को सॉल्व करने से आई। यार मैं बार बार डी ब्रोगली क्यों बोल रहा हूं भाई, है? ये कहां से मिलती है वैल्यूज, ये वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलती है, और ये जो बेटा स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर को अलग से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। ये तीनों जो ऊपर वाली दे रखी है, ये उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में मिलती है। ऑलराइट, चलिए फिर एक एक क्वांटम नंबर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती है शेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में है। जब मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। जब मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। बहुत आसान चीज है ये तो, है ना। तो शेल के बारे में कौन बताती है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, कौन सी क्वांटम नंबर बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये और क्या बताती है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकती है। क्यों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस से दूर जाने पर बढ़ती है, है ना। तो अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर कौन सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी है, तो आपको यह पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, और शेल में है तो उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी का आइडिया लगा सकते हो। एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। और वैसे ही अगर मैं साइज ऑफ शेल की बात करूं तो साइज जो होगा बेटा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शेल के। भाई फर्स्ट शेल की साइज देखो ना, इधर देखो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल चिन्नू सा, सेकंड शेल और बड़ा, थर्ड शेल और बड़ा, फोर्थ शेल और बड़ा, फिफ्थ शेल और बड़ा, है ना। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे आपका जो शेल है वो इंक्रीज करता जाएगा, उसकी जो साइज है वो इंक्रीज करती जाएगी, है ना। तो आप लोग साइज ऑफ शेल के बारे में भी आइडिया लगा सकते हो। एक फॉर्मूला लिखा आपके सामने, बचपन में पढ़ते थे आप लोग, कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जहां पर ये जो n है, n क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मान लो आपका n1 है, फर्स्ट शेल है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास n की वैल्यू 2 है, सेकंड शेल है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। n का वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। ये चीज आप लोग अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, यस बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक शेल में, एक ऑर्बिटल में, एक शेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी है n स्क्वायर, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, जैसे मान लो n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो आप लोग बोलोगे सर 1 ही होगा, ठीक है। अगर मान लो n का वैल्यू 2 है, मैक्सिमम ऑर्बिटल 4 हो जाएंगे, n का वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम ऑर्बिटल 9 हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपकी कहानी चलती रहेगी। डन।
तो ये थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको बताती है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। आगे चलते हैं और बात करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है या फिर इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की कहा जाता है। ये शेल के बारे में नहीं बताती, सब शेल के बारे में बताती है इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज होती है बेटा वो 0 to n-1 होती है ना, 0 to n-1 होती है। L का वैल्यू कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो जैसे मान लो n का वैल्यू 1 है ना, फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल के लिए L का वैल्यू एक ही होगा, कौन सा, 0, है ना। L की वैल्यू क्या है, 0 to n-1। L जो बेटा वो कहां से है, 0 to n-1, है ना। तो L का वैल्यू 0 है, L का वैल्यू 0 है, इसको बोला जाता है S सबशेल। L का वैल्यू 0 होना क्या बोला जाता है, S सबशेल, ठीक है। अगर मान लो L का वैल्यू 1 है, कहीं पर भी आपको मिले कि L का वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो डिनोट करता है P सबशेल को। प्रिंसिपल एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब वो D सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मान लो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर बेटा 3 है, तो सर वो F सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाता है सबशेल का, ठीक है ना, किसका पता लगता है बेटा, सबशेल का। शेप भी आप लोग बता सकते हो कि जो S सबशेल होता है वो स्फेरिकल होता है, यस, कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। जो P होता है वो डंबल होता है, कैसा होता है, डंबल होता है। और जो D होता है वो डबल डंबल होता है, यस, डबल डंबल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, यस यस यस, बोलना पड़ेगा, बताइए कोई दिक्कत है ना, बहुत आसान चीज है ये सारी। जैसे मान लो आपका ऐसे लिख दिया मैंने, n का वैल्यू 1, फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में तो l की एक ही वैल्यू हो सकती है 0, इसका मतलब उसमें एक ही सबशेल होगा, कौन सा, s सबशेल। लेकिन जब कोई कहता है कि सेकंड शेल, तो सेकंड शेल में L की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 to n-1, मतलब 0 और 1 2 हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये किसको बताएगा, 2s को, ये किसको बताएगा, 2p को। 0 जो है वो S सबशेल को बताता है, 1p सबशेल को बताता है, और p सबशेल कौन से शेल का है, सेकंड शेल का, तो इसको लिख दिया 2p। वैसे अगर मैं बात करूं n = 3 का, तो बेटा एल का 3 वैल्यू हो सकता है, 0, 1, और L का एक और वैल्यू हो सकता है 2। अगर L का वैल्यू 0 है, इसका मतलब S सबशेल को बताएगा, S सबशेल कौन से शेल का, थर्ड शेल का, तो ये हो गया 3S। ये P सबशेल को बताएगा, कौन से शेल का, P सबशेल का, 3 शेल का। L = 2 किसको बताता है, D सबशेल को, और कौन से शेल के, 3D। समझ में आ रही मेरी बात। यहां से एक और बढ़िया चीज समझने वाली है, कि फर्स्ट शेल में P सबशेल नहीं होता, सेकंड शेल में D सबशेल नहीं होता, यस, P सबशेल सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, D सबशेल थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, F सबशेल फोर्थ शेल से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एक इसने एक फॉर्मूला लिखा है, आपका मन करे तो इसको याद रख सकते हो, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, एक सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो फॉर्मूला लिखा है। जैसे मान लो S सबशेल है, बेटा अगर इसमें S सबशेल मतलब L = 0, और इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन पूछे तो L की वैल्यू 0 डालना, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मान लो P सबशेल है, तो P सबशेल के लिए L का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, और अगर आप इसमें 1 डालोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यस। अगर मान लो D सबशेल है बेटा, और D सबशेल में L का वैल्यू 2 डालोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मैक्सिमम। और F सबशेल है, उसमें अगर आप L का जगह L = 3 डालोगे तो कितने मिलेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना। सो दीज आर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, सबशेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2n2, वो फॉर्मूला था एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डन, आओ फिर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको और ध्यान में रखना है, कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है √(ln(l+1)h/2π, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखें, सीधा सीधा फॉर्मूला है। यहां पर जो L है वो वही है एजिमुथल क्वांटम नंबर, है ना, कौन सी है बेटा, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। डन, बात क्लियर है क्या, बोलना पड़ेगा, यस 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 यस, बताइए बताइए बताइए। डन डन डन, आगे चलें, हाँ जी। फिर उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
यस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, है ना, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। यस, और ये एक वो चीज लिखी थी ना हमने कि भाई स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो स्प्लिट कर जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये क्वांटम नंबर उसको एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ये भी बता सकते हो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के, एक ही बात है, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, देखो मैं आपको समझाता हूं, इसकी जो वैल्यू होती है ना, एम की वैल्यू, एम का जो वैल्यू होता है बेटा, एम का जो वैल्यू होता है वो माइनस एल से लेके प्लस एल तक होता है ना, इंक्लूडिंग जीरो। यस, इंक्लूडिंग जीरो। और जितनी एम की वैल्यूज होती हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जितनी एम की वैल्यूज होती हैं बेटा उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं ले लूं, पहला एग्जांपल ले लेता हूं, एल का वैल्यू जीरो था, है ना, एल का वैल्यू जीरो था मतलब एस सबशेल था, और अगर एल का वैल्यू जीरो है ना तो एम की ए की वैल्यू होगी वो कौन सी, जीरो होगी। यस, माइनस एल टू प्लस एल, तो एम की ए की वैल्यू है जीरो, इसका मतलब उसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जिसको आप एस ऑर्बिटल के नाम से जानते हो, ठीक है। इसको रिलेट करना जरा, ये बहुत बढ़िया चीज है। जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं L इज इक्वल टू वन है बेटा, तो P सबशेल होगा, और P सबशेल है तो M की तीन वैल्यूज पॉसिबल है, माइनस वन, जीरो और प्लस वन, माइनस L टू प्लस L, है ना, माइनस वन से प्लस वन इंक्लूडिंग जीरो, इसका मतलब तीन वैल्यूज है M की, तो इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, तीन ऑर्बिटल्स आएंगे। यस, ये जो तीन ऑर्बिटल है, एक को बोलते हो पी एक्स, एक को बोलते हो पी वाई, और एक को बोला जाता है पी जेड। डन, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। यस यस यस, जैसे मान लो एल की वैल्यू टू लिखी है, तो इसका मतलब ये है सर डी सबशेल, और डी सबशेल है तो एम की कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, सर पांच वैल्यूज पॉसिबल हैं, पांच वैल्यूज है, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, सर पांच ऑर्बिटल्स होंगे। मेरी बात समझ गए आप लोग? यस, डी सबशेल में पांच ऑर्बिटल होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। मेरी बात समझ में आ गई क्या, बताइए? यस, और एल की वैल्यू अगर थ्री है, एल की वैल्यू थ्री है मतलब एफ सबशेल है, सर एफ सबशेल है, इसका मतलब एम की माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, सात वैल्यूज पॉसिबल है, सात वैल्यूज पॉसिबल, इसका मतलब सर सेवन ऑर्बिटल्स आपके प्रेजेंट होंगे। बताइए क्या ये चीज सही है, कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, सेवन ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे एफ सबशेल में। तो सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हो किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। बताओ डन, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे लास्ट में आता आपका स्पिन क्वांटम नंबर, और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही है, साथ साथ अपनी स्पिन पर भी घूमता है, जैसे अर्थ सन की चारों तरफ घूमती है वैसे ही, और अपनी स्पिन पे भी घूमती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमेगा और अपनी स्पिन पे भी घूमेगा, है ना। तो इसकी जो स्पिन होती है वो दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हो भाई, अपनी स्पिन पे या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो इसकी जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की वो डिफाइन की गई है या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की स्पिन डिफाइन की गई है। कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं, है ना, ऐसे भी स्पिन अप और स्पिन डाउन, ये दो स्पिन आप लिख सकते हो, प्लस हाफ और माइनस हाफ। सर इसके लिए प्लस हाफ होगी कि माइनस हाफ, कुछ भी हो सकती है, इसके लिए प्लस हाफ होगी कि माइनस हाफ, कुछ भी हो सकती है। अगर आप इसको प्लस हाफ बोल रहे हो तो ये माइनस हाफ है, इसको माइनस हाफ बोल रहे हो तो ये प्लस हाफ है ना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस होगा या क्लॉकवाइज के लिए प्लस होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि दो स्पिन होगी, डन। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखो, क्या कि साहब जो एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में सर मैक्सिमम मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा, ऑपोजिट होगा, विद ऑपोजिट स्पिन, क्या होगा, विद ऑपोजिट स्पिन। तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने बात कर ली किसमें, क्वांटम नंबर्स में। एक चीज छोटी सी और है ना, चलिए ये इसमें नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे। डन डन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन और उन दोनों का स्पिन ऑपोजिट, यस मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन और उन दोनों का स्पिन ऑपोजिट होगा, ठीक है ना। तो जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि एस ऑर्बिटल होता है, यस yes,
एस सबशेल होता है, सॉरी एस सबशेल में, एस सबशेल में भाई एक ही ऑर्बिटल होता है, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसी वजह से एस सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। यस, हम लोगों ने लिखा कि जो पी सबशेल होता है, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसका मतलब उसमें टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो आ सकता है। अगर डी सबशेल की बात करूं बेटा, डी सबशेल में पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, पांच ऑर्बिटल में दस इलेक्ट्रॉन्स, बताइए मेरी बात समझ गए क्या आप लोग? हाँ जी, मेरी बात समझ गए क्या आप लोग? बोलना पड़ेगा दादा, हाँ ना, हमें जवाब देना पड़ेगा, डन है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है क्या? यस 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 यस, डन 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 डन, बताओ क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है ना? तो ये सारी कहानी एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है। आइए, एक क्वेश्चन कहता है 2023 का कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि अकोमोडेट हो सकते हैं शेल जिसका एन फोर है, भाई 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 4 डाल दो, उत्तर मिल जाएगा, 2023 का क्वेश्चन है। अब क्या ही बताएं, बताओ, कहता है क्या, कहता है क्वेश्चन अगला, लिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, कौन सा अलाउड नहीं है। एक चीज देखना, यहां पर n और l को बराबर कर दिया, ये तो गुना है, l का जो वैल्यू होता है वो 0 टू n माइनस 1 होता है। सर ये वाला गलत है, कौन से साल में पूछा है, 2022 में, देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस निपटा दोगे अगर आप लोगों ने अच्छे से चीजों को पढ़ा होगा तो। बताइए क्लियर है, हम लोग आगे चल सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो ना, द नंबर ऑफ सबशेल्स, द नंबर ऑफ सबशेल्स एसोसिएटेड विद एन इज इक्वल टू 4 एंड एम इज इक्वल टू माइनस 2, एन इज इक्वल टू 4, कितने सबशेल्स ऐसे होंगे, कितने सबशेल्स ऐसे होंगे विद, जहां पर n का वैल्यू 4 हो और बेटा n का वैल्यू, सॉरी हाँ, n का वैल्यू 4 मतलब फोर्थ शेल हो गया, n का वैल्यू मतलब फोर्थ शेल हो गया, और द नंबर ऑफ सबशेल्स एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू माइनस 2, कितने सबशेल्स ऐसे होंगे, है ना? सबशेल के बारे में कौन बताता है, सबशेल्स के बारे में कौन बताता है, सबशेल के बारे में कौन सी क्वांटम नंबर बताती है, बताओ, सबशेल के बारे में बताती है एजिमुथल क्वांटम नंबर, यस नहीं नहीं सर, मैग्नेटिक नहीं सर, एजिमुथल, है ना? तो हमें यही बताना है कि भाई जब n इज इक्वल टू 4 है और m इज इक्वल टू माइनस 2 है तो ऐसे कितने सबशेल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे कितने सबशेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना? तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना? तो देखो सीधा सा क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 4 है बेटा, तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई l की वैल्यू 0 1 2 और 3 हो सकती है, अरे बोलो यही हो सकता है। अब खुद सोच के देखो, जब l का वैल्यू 0 होगा, l का वैल्यू 0 होगा तो m भी 0 होगा, तो हमें चाहिए था ऐसा सबशेल जिसका m माइनस 2 हो, यहां तो है नहीं, यस। अब सोचो l का वैल्यू 1 है तो m होगा माइनस 1 0 प्लस 1, यहां पर भी ऐसा कोई सबशेल नहीं मिल रहा जिसका m इज इक्वल टू माइनस 2 हो, है ना? l इज इक्वल टू 3 तो सर सॉरी 2, तो m का वैल्यू माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 और प्लस 2, सर हमें मिल गया यहां पर एक सबशेल ये रहा, और l इज इक्वल टू अगर 3 होगा तो m होगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3, सर यहां पर भी m माइनस 2 वाला एक है। तो ऐसे कितने सबशेल्स हो गए हमारे पास जहां पर m इज इक्वल टू माइनस 2 हो, सर दो ही सबशेल है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर, ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हैं, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 5 एंड एम एस इज इक्वल टू प्लस हाफ, इसमें आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताना है, ठीक है ना? देखो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, है ना? एम एस जो होता है वो किसको बताता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बताता है ना, एम एस जो होता है वो किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। तो इसका मतलब अगर ऑर्बिटल्स पूछ रहे हैं तो मेरे से ये पूछ रहा है कि n इज इक्वल टू 5 में टोटल कितने ऑर्बिटल है, तो n स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, उत्तर पाओ, n स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यस, ये बात समझ में आ रही है, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अब जो कुछ क्वेश्चन है बेटा, चलो ये वाला क्वेश्चन एक और देख लेते, क्या कह रहा है क्वेश्चन,
फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? दो 1997 में क्वेश्चन पूछा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको फॉर्मुला बताया था अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। और अगर बेटा डी इलेक्ट्रॉन है तो डी इलेक्ट्रॉन के लिए एल कितना होता है? टू होता है, इसमें टू डाल दो बस खत्म हो जाएगा। टू इंटू थ्री अंडर रूट सिक्स हो जाएगा। यस अंडर रूट सिक्स एच अपॉन टू पाई। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। तो इस पे अगर और भी जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग कीजिएगा, है ना, खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर ही लिए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर किसकी, हम लोग बात करेंगे एक प्लॉट की, ग्राफ की। ग्राफ किस किसके बीच है? साई और आर के बीच, जिसको रेडियल वेव फंक्शन बोला जाता है। साई और आर के बीच एक ग्राफ है, बहुत सिंपल से ग्राफ होते हैं ये वाले, है ना, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। जैसे मान लो साई और आर का ग्राफ, यस मैंने आपसे कह दिया वन एस के लिए बनाइए, है ना। इनका एक लॉजिक भी है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये वाले ग्राफ बने हैं। साई और आर का ग्राफ मैंने आपसे कह दिया टू एस के लिए बताइए, ठीक है। साई और आर का ग्राफ, साई और आर का ग्राफ मैंने आपसे कह दिया कि 2p के लिए बनाई या 3s के लिए बनाई, है ना। मान लो आपसे 3s के लिए पूछ लिया, डन। और साई और r का ग्राफ मान लो आपसे कोई पूछे कि साहब 2p के लिए बताओ, साई और r का ग्राफ 3p के लिए बताओ, ठीक है ना। तो देखो इन ग्राफ को करने की एक ट्रिक होती है ना। ट्रिक क्या है? सबसे पहली चीज, s का जो ग्राफ होगा, है ना, हमेशा क्या ध्यान रखो, s का ग्राफ हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसे s का ग्राफ हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, और अगर 2s की बात करें, s ऊपर से स्टार्ट हुआ, एक बार नीचे गया, प्लस माइनस, देखो ये वाला 1s का ग्राफ सिर्फ प्लस में रहेगा, 2s का ग्राफ प्लस माइनस, है ना। फिर 3s आया, ऊपर से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, वापस प्लस ले जाओ, प्लस माइनस प्लस। 4s अगर पूछता तो ये वापस नीचे चला जाता। सर ये क्या लॉजिक हुआ? अभी आपको पता लगेगा लॉजिक का। यहां पर हमेशा ध्यान रखो 2p का जो p का ग्राफ होता है हमेशा यहां से स्टार्ट होगा प्लस में, और अगर 3p की बात हो रही है यहां से स्टार्ट करो प्लस माइनस में, प्लस और माइनस। अगर मान लो 4p होता तो उसमें क्या करते? प्लस माइनस प्लस, ये लो जी प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हो जाता 4p का, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए जो s का ग्राफ होता है ऊपर से स्टार्ट होता है, p का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, डन। अब एक चीज यहां पर, एक छोटी सी चीज आपको और समझनी पड़ेगी, यहां पर एक छोटी सी चीज आपको और समझनी पड़ेगी, और वो है नोड। यस क्या है बेटा? नोड। आपको क्या समझना पड़ेगा? नोड। नोड क्या होते हैं? नोड एक ऐसा रीजन होता है, है ना, नोड एक ऐसा रीजन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पर क्या होता है, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन को कौन बताता है? साई स्क्वायर बताता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो है, इसका मतलब साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो है। बताओ मैं ऐसे कह सकता हूं? नोड जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड, यस ये होता है रेडियल नोड, और दूसरा होता है नोडल प्लेन, यस दूसरा होता है नोडल प्लेन या फिर नोडल सरफेस, ठीक है ना, डन। इसको एंगुलर नोड भी बोला जाता है, एंगुलर नोड इसका एक टाइप है, यूं मानो, है ना। अब यहां पर रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है, किसी में भी अगर आपको ये निकाल, रेडियल नोड का मतलब होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग, है ना, ऐसा सर्किल सा, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, वो होगा रेडियल नोड। दूसरा होता है ये वाला नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड। ये क्या होता है? ये एक ऐसा नोड होता है जो न्यूक्लियस से पास होता है, न्यूक्लियस से पास होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। यस, जो न्यूक्लियस से पास होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, वो होता है नोडल सरफेस, नोडल प्लेन, ठीक है, नोडल प्लेन आप जिसको कह सकते हो, डन। अच्छा, रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है, इसको आप याद रखें। एन यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल यहां पर एजिमिथल क्वांटम नंबर। और अगर नोडल प्लेन निकालना है तो इसका फॉर्मूला है सिर्फ एल, है ना, सिर्फ इसका फॉर्मूला है सिर्फ एल। एल हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा आपका एजिमिथल क्वांटम नंबर, डन। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूं, सुनो, मैंने आपसे कह दिया ये रहा आपका एस सबशेल, यस ये रहा आपका एस सबशेल। तो एस सबशेल जो होता है बेटा वो स्फेरिकल होता है, सारी दुनिया जानती है ना। एस सबशेल कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल होता है। मैंने आपसे कहा 2s,
2s में रेडियल नोड कितने होंगे? आपने कहा n माइनस एल माइनस वन, एन है 2 माइनस एल तो जीरो होता है ना, इसके लिए एल जीरो होता है, इसका मतलब इसके पास एक रेडियल नोड है, और एंगुलर नोड कितने होंगे? एल, एल इसके लिए है जीरो, इसका मतलब 2s के पास नोड कितना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड प्रेजेंट है, और वो नोड कौन सा है? वो है रेडियल नोड। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मान लो 1s आपसे पूछे, 1s में रेडियल नोड कितना है, तो आप लोग बोलोगे n माइनस एल माइनस वन, है ना, इसमें कोई नोड नहीं है, कोई नोड नहीं है, इसका मतलब इसके लिए कभी भी साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो नहीं होगा। यस, इसके लिए कभी भी साई स्क्वायर का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो मान लो मैं आपसे एक ग्राफ बनवा लूं, मैंने आपसे कह दिया कि आप इसका ग्राफ बनाओ 1s के लिए। यस, किसके लिए? 1s के लिए। आप बोल रहे हो सर 1s में कोई नोड नहीं है, है ना, अगर 1s में कोई नोड नहीं इसका मतलब साई स्क्वायर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। यस, साई स्क्वायर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसे चला जाएगा, खत्म। साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। डन, ये किसके लिए है बेटा? 1s के लिए। अब मान लो इसी तरह का एक और ग्राफ दे दिया, मैंने आपसे कहा साई स्क्वायर और आर का ग्राफ बनाओ 2s के लिए, तो आपने कहा सर 2s में एक नोड है और वो भी कौन सा है? रेडियल। तो आपको क्या करना है? ऊपर से स्टार्ट करना है, एक रेडियल नोड मतलब एक बार ग्राफ जीरो होगा, प्लस प्लस, क्योंकि साई स्क्वायर है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी, है ना। और ये वाली जो पोजीशन है देखो, ये वाली जगह, इस वाली जगह पर साई स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब यही क्या है? आपका नोड है। मेरी बात समझ में आ गई शायद? यस, क्लियर है? डन। अब अगर मान लो मैं पी सबशेल की बात करूं, तो आपने कहा था पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पीएक्स पीवाई और पीजेड, पीएक्स पीवाई और पीजेड, पीएक्स पीवाई और पीजेड। अब देखो px का क्या मतलब है? ये है आपकी x एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे प्रेजेंट है, है ना। अगर मान लो ये वाली एक्सिस है y एक्सिस, इसको मैंने y एक्सिस बोल दिया, तो py का मतलब है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे प्रेजेंट है। और जब मैं कहता हूं pz, अगर ये z एक्सिस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस पे प्रेजेंट है। दिस इज योर pz, है ना। ये होता है डबल डंबल, नहीं सॉरी डंबल शेप होता है। पी सबशेल जो होता है बेटा, वो कैसा होता है? डंबल शेप होता है। कैसा होता है? डंबल शेप होता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब देखो अगर इसमें नोड की बात करूं, है ना, इसमें नोड की बात करें, तो आपका जो नोडल प्लेन है, इस वाले प्लेन को पकड़ना जरा, ये वाला प्लेन समझो, ये वाला जो प्लेन है ये ऐसे, ये वाला प्लेन जो कहां से पास हो रहा है, ये px है ना बेटा, ये वाला जो प्लेन है जो न्यूक्लियस से पास हो रहा है और जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जीरो है। तो इस वाले प्लेन को मैं क्या कह सकता हूं कि सर ये है एंगुलर नोड। ये क्या है? एंगुलर नोड। ये है आपका नोडल प्लेन, ठीक है। और ये वाला प्लेन कौन सा है? अगर ये px है तो बेटा प्लेन कौन सा है? xy प्लेन। तो इसके लिए जो नोडल प्लेन होगा px के लिए, वो हमेशा कौन सा होगा? xy प्लेन होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं py, py के लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा? देखो ये वाला प्लेन कौन सा है? ये है x और ये z, तो ये होगा सर xz प्लेन, है ना। और यहां पर सर ये वाला प्लेन है ना, जो यहां से पास हो रहा है या फिर यहां से पास हो रहा है, ये वाला प्लेन। यस, ये वाला प्लेन कौन सा है बेटा? xy प्लेन। ये वाला प्लेन कौन सा है? xy प्लेन, है ना। अरे सॉरी उल्टा कर दिया। ये y एक्सिस है ना, तो अगर ये वाली y एक्सिस है तो ये वाला कौन सा प्लेन हुआ? ये xz प्लेन हुआ। अगर ये वाली x एक्सिस है तो ये वाला प्लेन yz प्लेन हुआ ना बेटा, xy प्लेन कैसे हुआ, है ना। ये वाला प्लेन कौन सा हुआ? ये वाला प्लेन कौन सा हुआ? yz प्लेन हुआ। देखो ना, ये y एक्सिस और पीछे वाला z एक्सिस, तो ये होगा yz प्लेन, है ना। तो इसको आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो कि अगर px है तो yz प्लेन, x हटा दो, अगर py है तो y हटा दो, xz प्लेन, और अगर pz है तो z हटा दो, xy प्लेन, है ना। तो ये होते हैं नोडल प्लेन्स, जो x, px, py, pz। अब ये 2px है, 3px है, इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो नोडल प्लेन का फॉर्मूला होता है वो होता है l। नोडल प्लेन्स होते हैं l, और अगर नोडल प्लेन l है तो 2px हो, 2py हो, 3px हो, 3py हो, या 2px हो, 3px हो, l हमेशा 1 ही रहेगा। इन सब के लिए जो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स हैं वो कितने रहेंगे? हमेशा 1 रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका जो ग्राफ है 2p की बात कर लेते हैं। यस, 2p की बात कर लेते हैं बेटा। 2p में रेडियल नोड कितना होगा? रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। सर n है 2, l है 1, इसका मतलब इसके पास कोई रेडियल नोड नहीं है। और एंगुलर नोड कितना है? एंगुलर नोड l होता है, इसके पास एक एंगुलर नोड है। एंगुलर नोड कहां बनता है जल्दी से बताओ? सर एंगुलर नोड
कहां बनता है? न्यूक्लियस पे बनता है। तो देखो यहां बनेगा, यस यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, ये लो एक ही नोडल नोड है और वो ये रहा, यस वो नोड कहां है? न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नोडल प्लेन है, बिकॉज नोडल प्लेन न्यूक्लियस से पास होता है। डन। जैसे मान लो मैं 3p की बात कर लूं, मैंने कह दिया 3p के लिए ग्राफ बनाओ साई स्क्वायर और आर का, साई स्क्वायर और आर का ग्राफ बनाओ 3p के लिए, साई स्क्वायर और आर का ग्राफ बनाओ 3p के लिए। तो बहुत आसान है, वापस से आपको क्या करना है, आपको देखने नोड। आप बोलोगे सर 3p में एंगुलर नोड है एक, है ना, एंगुलर नोड है एक, है ना, या फिर नोडल प्लेन है एक, वो कहां बनेगा? न्यूक्लियस में। ठीक है सर, इसके पास रेडियल नोड है कितने? n माइनस एल माइनस वन। सर इसके पास एक और एक रेडियल नोड भी है, इसका मतलब इसके पास टोटल नोड्स कितने बेटा? टोटल नोड्स दो हो गए, एक रेडियल और एक दूसरा नोडल प्लेन। मेरी बात समझ में आ रही? अगर ये दो प्लेन है, अगर इसके पास दो नोड है, अगर इसके पास दो नोड है, एक तो यहां बन गया, तो इसका मतलब एक और बनेगा भी, वो ये बन गया, बस इस तरह से, है ना। तो दो बार टच करना होगा, दो बार साई स्क्वायर जीरो होगा, दो बार साई स्क्वायर जीरो होगा, एक बार ये रहा एक बार ये रहा। लेकिन ये वाला नोड कौन सा है? रेडियल नोड। ये वाला नोड कौन सा है? नोडल प्लेन। मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना। तो इस तरह से आप लोग ग्राफ बना सकते हो साई स्क्वायर और आर के, है ना, ये है साई स्क्वायर और आर, ठीक है ना। ये किसके लिए बनाना है? मान लो मैं आपसे कह दूं 4p के लिए बनाओ, तो 4p में जो टोटल नोड्स आएंगे बेटा वो होंगे 3। यस टोटल नोड्स कितने होंगे? 3, लेकिन उनमें से रेडियल नोड दो होंगे और दूसरा वाला नोडल प्लेन जो होगा वो एक होगा। नोडल प्लेन हमेशा यहां बनता है, तीन बार जीरो होगा, है ना, तीन बार जीरो होगा। लो जी, एक बार, दो बार और तीन बार रेडियल नोड जीरो है, रेडियल नोड टू है। क्लियर? समझ में? तो इस तरह से आप लोग ग्राफ इसके लिए बना सकते हो। डन। ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और देखो, अगर मैं बात करूं किसकी? डी सबशेल की। हम लोग किसकी बात करें? डी सबशेल की। तो डी सबशेल की शेप कैसी होती है? हाँ जी, डी सबशेल की शेप कैसी होती है? आपको पता है सारे लोगों को, डबल डंबल होती है ना, डबल डंबल होती है, डबल डंबल होती है ना, डबल डंबल। देखो इसमें और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सर क्या फर्क है इन सब में? बहुत आसान है, शेप का देख ले लो, है ना, शेप देख लो थोड़ी सी। ये सर अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसका मतलब डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगी, है ना। अगर मान लो ये वाली y एक्सिस और ये वाली z एक्सिस है, तो आपका जो डी वाई जेड होगा बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी y और z एक्सिस के बीच होगी, ठीक है जनाब। और अगर मान लो ये वाली एक्सिस ये वाली z एक्सिस है, तो अगर डी जेड एक्स की मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी z और x एक्सिस के बीच में होगी, है ना। अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात की जाए, यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस, और अगर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी x और y एक्सिस पे है, तो इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोला जाएगा। वैसे ही मान लो ये वाला z एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस पे है, लेकिन ध्यान दो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ भी प्रेजेंट होती है इस तरह से, यह है डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर कभी भी डबल शेप, डबल डंबल शेप नहीं रखता। आप लोग देख सकते हो डंबल तो है लेकिन डबल डंबल नहीं है सर, इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, डबल डंबल शेप एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, है ना, डी जेड स्क्वायर डबल डंबल नहीं होता। अब अगर आपसे इसमें पूछे एंगुलर नोड कितने हैं या फिर नोडल प्लेन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर नोडल प्लेन है दो। नोडल प्लेन जो थे, आपने फॉर्मूला लिखा था, नोडल प्लेन्स का फॉर्मूला लिखा था एल, और डी के लिए एल होता है टू, इसका मतलब इसमें नोडल प्लेन्स कितने होंगे? दो दो होंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बताइए कौन कौन से। जैसे अगर मान लो मैं डी एक्स वाई की बात करूं, मान लो अगर मैं डी एक्स वाई की बात करूं बेटा, तो डी एक्स वाई में जो नोडल प्लेन होंगे वो कौन कौन से होंगे? यस कौन कौन से दो नोडल प्लेन्स होंगे बताइए, कौन कौन से दो नोडल प्लेन्स होंगे? देखो ये डी एक्स वाई है, तो एक नोड तो ये रहा, ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स जेड प्लेन है, और एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, ये कौन सा प्लेन है? ये वाई जेड प्लेन है, है ना। तो बता इसको याद कैसे रखना है, डी एक्स वाई है ना, जेड बच गया, तो इसके दो नोड कौन से होंगे? एक्स जेड और दूसरा वाई जेड, ठीक है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसमें देखो डी वाई जेड की बात करूं तो कौन बच गया? एक्स बच गया ना, तो इसके लिए आपके नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे? एक्स वाई एंड एक्स जेड,
एक्स वाई एंड एक्स जेड, ठीक है ना। और यहां आ जाओ डी एक्स जेड की बात करो तो एक और बच गया वाई, इसका मतलब एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन, ये इसके लिए नोडल प्लेन्स होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हो। यहां पर भी दो प्लेन्स आएंगे, एक प्लेन ये रहा एक प्लेन ये रहा, ये नोडल प्लेन्स है। और ध्यान रखना जो डी जेड स्क्वायर होता है उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, डी जेड स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। ये क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि ऐसा कोई प्लेन आप न्यूक्लियस से पास कर ही नहीं सकते जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ना मिले। देखो अगर मान लो ये वाला प्लेन लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, ये वाला लिया इस सर्कुलर रिंग की वजह से, आपको ऐसा कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, है ना। तो इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लेन होता है ना, नोडल कोन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोन, है ना। ऐसा होता है देखो इस तरह से, इस तरह का एक कोन बनेगा ऊपर एक कोन बनेगा नीचे, डमरू जैसा। डमरू देखा है तुमने वो बजाने वाला शिवजी वाला डमरू, है ना, उस तरह के दो, एक कोन ऊपर एक कोन नीचे, इसमें बनता है नोडल कोन, ठीक है ना। इसमें क्या बनता है बेटा? नोडल कोन, ठीक है ना। इसमें कोई नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, डन। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने बात कर ली है किसकी? शेप वगैरह की, कि जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप किस तरह की होती है। इस पे बेस्ड अगर आप लोग क्वेश्चंस करना चाहें तो क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक दो क्वेश्चन जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है ना, कि बताओ इसमें रेडियल नोड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, उसका रेशियो बताओ। फॉर्मूला आपको बता दिया है ना, ये कह रहा है कि बताओ रेडियल और एंगुलर नोड इन 4D ऑर्बिटल में कितने। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखो 2021 में नो एंगुलर नोड एंड टू रेडियल नोड, एंगुलर नोड नहीं है रेडियल नोड है। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चंस बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो एक और देख लो, जैसे ये वाले सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो साई स्क्वायर और आर का ग्राफ पूछ लिया 2019 में, ये हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बनवा ही दिया था। अच्छा एक चीज और देखो, एक और ग्राफ बच गया, एक और ग्राफ बच गया किसके बीच? 4πr² साई स्क्वायर और आर के बीच, 4πr² साई स्क्वायर और आर के बीच ये ग्राफ बच गया। इस तरह के ग्राफ भी आपसे पूछे जा सकते हैं, 1s, 2s, 3s, 3p, 2p, किसी के लिए भी। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है, किस तरह से हमें ग्राफ बनाने होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं 1s की, तो इस तरह का जो हर एक ग्राफ होगा, हर एक ग्राफ होगा ये 4πr² साई स्क्वायर dr भी होगा ना, हर एक जो ग्राफ होगा बेटा यहां से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा, डन। Yes, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे r का वैल्यू कितना होगा? जीरो। r का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये ग्राफ हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा। अब देखो 1s, 1s में कोई रेडियल नोड नहीं होता। अगर कोई रेडियल नोड नहीं है तो ये ग्राफ कभी भी जीरो को टच नहीं करेगा, खत्म। और देखो जैसे मान लो मैं 2s की बात करूं, 2s की, तो ये जो ग्राफ है बेटा, है ना, ये ग्राफ स्टार्ट तो यहीं से होगा, और 2s में एक रेडियल नोड होता है, एक रेडियल नोड होता है, तो ग्राफ ये एक बार इसको टच करेगा, है ना, एक बार टच किया, और इसमें हमेशा नोड की ये जो साइज होती है ये इंक्रीज करती जाएगी। क्या करेगी? इंक्रीज करती जाएगी, बिकॉज यहां साई स्क्वायर आ रहा है, साई स्क्वायर का ग्राफ, साई स्क्वायर की वजह से जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। यस, जैसे अगर मान लो मैं बात करूं 2p की, जैसे मान लो मैं बात करूं किसकी? 2p की। Yes, 2p. तो बेटा 2p में, इसमें सिर्फ इस वाले ग्राफ में 4πr² साई स्क्वायर dr के ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चेक करना है? रेडियल नोड देखना है, ग्राफ को यहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहां पर एंगुलर नोड बनना था, वो बन चुका है। अगर मैं 2p की बात करूं तो बेटा इसमें रेडियल नोड कितने थे? मेरे हिसाब से जीरो थे। यस, रेडियल नोड जीरो है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और यहीं पर खत्म हो जाएगा, वापस जीरो नहीं होगा। डन, मेरी बात समझ में आई क्या? बताइए, ठीक है ना, डन है। अगर मान लो 3p का होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल नोड देखना है, अगर मैं 3p की बात करूं, इसमें एक रेडियल नोड है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और एक बार इसको टच करेगा, प्लस प्लस। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। बताइए है क्या कोई तकलीफ? यस यस, तो इसी में बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है हमसे, 1s इलेक्ट्रॉन्स के लिए ग्राफ पूछना चाह रहा है, किसके साथ? 4πr² dr का r के साथ,
है ना। और 1s ग्राफ, 1s का ग्राफ हम लोगों ने बना ही लिया था, 1s के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं होता, कोई रेडियल नोड नहीं है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कभी भी दोबारा जीरो नहीं होगी। तो ये ट्रिक है बेटा, इन ट्रिक से अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो सकते हैं। 2016 जे एडवांस का क्वेश्चन है, विद इन सेकंड्स आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यस, हमेशा ध्यान रखो, क्या ध्यान में रखना है, ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से, बिकॉज इस वाले पॉइंट पे आर का वैल्यू जीरो है, आर का वैल्यू जीरो तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और फिर उसके बाद जितने रेडियल नोड हो उतनी बार टच करवा दो इस ग्राफ को। दो रेडियल नोड है, रेडियल नोड का फॉर्मूला आपको बता दिया, से इसमें एक रेडियल नोड है, एक बार टच हुआ, अगर मान लो दो रेडियल नोड होते दो बार टच होता, तीन रेडियल नोड होते तीन बार टच हो जाता है ना। तो ऐसे किसी के लिए भी आप लोग ये वाला ग्राफ बड़े आराम से डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी की बात होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी, सबसे पहले हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आप लोगों को, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आपको क्या करना है, क्या बताना है, एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो हमेशा ध्यान रखो, एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ऑर्बिटल के डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ओनली एन, ओनली सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करेगी। जैसे 1s और 2s में बात करूं ना तो 2s की एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज इसका एन ज्यादा है, अगर मैं 2s और 2p में बात करूं तो दोनों की एनर्जी सेम होगी बिकॉज दोनों के लिए एन सेम है। फिर अगर मैं 3s 3p 3D इन तीनों की बात करूं, इनके लिए भी एनर्जी सेम होगी, लेकिन ऐसा कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। अच्छा सर, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन हुआ फिर, यही हमारे काम का है, तो उसके बाद जो एनर्जी की वैल्यू है बेटा, एन और एल दोनों की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, दोनों की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, है ना, एन और एल दोनों की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर आया एक रूल जिसको बोला जाता है एन प्लस एल रूल या फिर बोरबरीज रूल। सबसे पहले ये रूल कहता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा बेटा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, ठीक है दादा। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 1s और 2p दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप लोग बोलोगे सर इसका एन वन है एल जीरो है तो एन प्लस एल वन है, यहां पर एन टू है एल वन है तो सर एन प्लस एल इज इक्वल टू थ्री है तो सर इसका एनर्जी ज्यादा होगा। सिंपल ये काम करना है, एन प्लस एल चेक कर लो, जिसके लिए ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑर्बिटल्स का एनर्जी, दो ऑर्बिटल्स का n प्लस l सेम हो सकता है, अगर n प्लस l सेम हो तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, खत्म, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। सर एग्जांपल देना, जैसे मान लो 3s लिखा है और 2p लिखा है, बेटा 3s में n का वैल्यू 3 है l का वैल्यू 0 है तो सर n प्लस l इज इक्वल टू 3 होगा, और यहां पर n का वैल्यू 2 है l का वैल्यू 1 है सर n प्लस l इज इक्वल टू 3 होगा। दोनों में n प्लस l का वैल्यू सेम है, उस केस में जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी बड़ी, उसका एनर्जी ज्यादा, और n इसका बड़ा है तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो ऐसे करके आप लोग जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो बड़े ही आराम से, है ना। 4s आएगा, फिर उसके बाद 3d आएगा, फिर उसके बाद 4f आएगा, 4p आएगा, 5s आएगा, 4d आएगा, इस तरह से कहानी चलती रहेगी। यस, n प्लस l की वैल्यू चेक कर लो, जिसका n प्लस l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और अगर मान लो दो ऑर्बिटल्स का n प्लस l सेम आ जाए तो n चेक कर लो, जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है ना। तो ये दो चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, हमसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर बताइए, 2023 में पूछा गया, तो n प्लस l निकालो, जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और n प्लस l सेम है फिर क्या करना है, तो सर n चेक कर लेंगे। वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट तो नहीं हो गया है ना ये, अच्छा ये अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया ना, ये अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन है दादा जो हमारे जो हमसे पूछे जा सकते हैं, बहुत आसान है ना, n प्लस l की वैल्यू चेक करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अब हमने ये पता लगा लिया कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या है, अगर एनर्जी का ऑर्डर पता लग गया तो ऑर्बिटल्स को अब हम लोग फिल करने वाले हैं। फिल किससे करते हैं ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन से करते हैं, सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं, और उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, और उसमें जो सबसे पहला रूल है वो है ऑफ बो प्रिंसिपल। बहुत ही आसान प्रिंसिपल है ये, ऑफ बो किसी भाई साहब का नाम नहीं है, है ना, ऑफ बो का मतलब होता है बिल्ड करना, टू बिल्ड अप। और इसने क्या कहा कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो इलेक्ट्रॉन
एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डालना है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन डालना है। यही रूल है, सिंपल सी कहानी है ऑफ बो प्रिंसिपल की। क्लियर है? ऑल राइट। अब उसके बाद एक और आया प्रिंसिपल जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली ने क्या बोला? पॉली का कहना था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है ना? ये पॉसिबल नहीं है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑपोजिट स्पिन वाले, है ना? क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए सेम स्पिन वाले तो उनके लिए चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। दैट वॉज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर उसके बाद एक और रूल है जिसका नाम है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसने बोला कि जब आप डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, डीजनरेट का मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है ना, जब डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप लोग इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो बेटा सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। जैसे तीनों में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब समझ रहे हो ना, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, जैसे 3p के तीन ऑर्बिटल है 3px 3py 3pz, इन तीनों की एनर्जी सेम है, है ना? सबसे पहले फिल करते टाइम तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये वाली चीज अलाउड है, है ना? कोई ऐसे मत कर दे, ऐसे नहीं कर सकते। ये तीन ऑर्बिटल बोले चार इलेक्ट्रॉन फिल करने, दो इसमें डाल दो, दो इसमें डाल दो, काम खत्म, ये गलत हो जाएगा। यस, पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक डीजनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच गया। एक एक इलेक्ट्रॉन डालो और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की आपको पेयरिंग करवानी है। डन, क्लियर है चीज, है ना? तो बहुत ही सिंपल सी कहानी थी, ये भी हम लोगों ने नोट कर लिया, देख लिया। अब अगर हमें यह पता लग गया कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यस, और उनको फिल कैसे करना होता है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं ये आपको पता ही होगा, लिथियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सर एटॉमिक नंबर होता है 3। सर हमें ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो कर दो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, कितने 2, और फिर उसके बाद 2s में कितना 1, खत्म। हमें पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये तो हमें पहले से पता है ना? तो हम लोग बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? और देखो, लिथियम के बाद मान लो आपसे कोई कहे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सर 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1s2 2s2 2p3 2 2 4 और 3 7, खत्म। अगर आपसे कहे सोडियम तो जेड कितना होगा, 11, है ना? Z 11 होगा, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने, S में 2 आएंगे, फिर 2S में 2 आएंगे, 2S के बाद एनर्जी किसकी आती है, 2P की, उसमें कितने आ सकते हैं 6, ये हो गए 10, 2P के बाद एनर्जी किसकी आती है 3P की, उसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन हमें कितना फिल करना है, एक ही फिल करना है, खत्म। अरे बताओ ना यार, यस, जैसे मान लो पोटेशियम है, पोटेशियम का जेड होता है 19, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में 2, 1s के बाद एनर्जी 2s की 2, 2s के बाद एनर्जी 2p की 6, 2s के बाद 3s 2, कितने हो गए 2 2 4 6 10 और 2 12, 3s के बाद होता है 3p, उसमें आ सकते हैं 6 18, 3p के बाद आता है 4s 1 19, खत्म। अरे बताओ ना यार, ये कैलकुलेट कर सकते हो ना आप लोग? यस, जैसे मान लो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का जेड होता है 21, तो आपने कहा सर 1s2 2s2 2p6 2s के बाद 3s 3p 4s और 4s के बाद आएगा 3d, एक इलेक्ट्रॉन, है ना? आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बड़े आराम से लिख दिया। आपको यहां पर पता होना चाहिए एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर पता है तो आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, है ना? और यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं बेटा। क्रोमियम अगर मैं बात करूं 24, है ना, क्रोमियम का क्या होना चाहिए था? क्रोमियम का होना चाहिए था 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, है ना, ये वाला होना चाहिए था, लेकिन ये ना होके सिर्फ 4s1 3d5 हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है, 4s1 3d5 हो जाता है, s वाला एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। और जैसे ही 3d में 5 इलेक्ट्रॉन आए, 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन आए तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन गया, और जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं सारी दुनिया जानती है वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो जस्ट ऑपोजिट हो गया। डन। और वैसे ही एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डिफरेंस आता है वो कॉपर में आता है। यस, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2, फिर उसके बाद 3d9 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है, यहां तक तो सेम रहता है, लेकिन 4s1 3d10 बोल जाता है। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन गया। और अगर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से, जेड इज इक्वल टू 30 तक ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिसमें एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और अगर कोई आपसे यह पूछे कि एक्सेप्शनल ज्यादा स्टेबल क्यों है एक्सेप्शनली, तो आप बोलोगे सर दो रीजन है। पहला है एक्सचेंज एनर्जी। देखो होता है क्या, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लो डी जनरेट ऑर्बिटल है ना, ये डी जनरेट ऑर्बिटल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है जिनका स्पिन सेम होगा। ऑब्वियस है, डी जनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो सेम स्पिन वाले फिल होते हैं एक एक। अब ये जो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपनी पोजिशन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। हर एक्सचेंज में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज हुई है दादा, उसी को बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। तो जिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर आप D5 कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे, उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यस, अगर आपने D4 लिखा है तो उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कम होंगे, कम एक्सचेंजेस है, कम एनर्जी रिलीज होगी, कम स्टेबल होगा। D5 में ज्यादा एक्सचेंजेस है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा एक्सचेंजेस है, ज्यादा स्टेबल होगा, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। ये तो एक रीजन है। दूसरा रीजन ये भी होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। D5 में अगर आप लोग बात करोगे तो D5 का मतलब है हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, है ना। जैसे मान लो D10 की बात करते हो आप, हर डी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, सर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और आपने चेक किया कि यार उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, उनको क्या कहा जाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि यार एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या आ रहा है, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को रिपेल करता है, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 1s में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों के दोनों पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह डायमैग्नेटिक है। जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3 है। यस बेटा देखो, 1s में दो आते हैं, 2s में दो आते हैं, और 2p में कितने आते हैं, तीन आते हैं। सर 2p में तीन इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा, और इसके पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसा होगा सर, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए, अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए, तो आप लोग और क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। एक फॉर्मूला है, हालांकि ये आगे भी पढ़ोगे आप लोग, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू एस से दिखाया जाता है, उसका फॉर्मूला बेटा होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n into n plus 2। बोर मैग्नेटोन, बीएम क्या होती है, बोर मैग्नेटोन यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है ना। और यहां पर जो एन होता है, ये होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है दादा। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैलकुलेट कर सकते हो क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो गए तो वहां से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारा सब कुछ आप पढ़ते हो कहां, जब आप तीसरा चैप्टर पढ़ते हो, जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ते हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें खूब सारे एक्सेप्शंस होते हैं, वो आप लोग वहां पढ़ोगे, कुछ आप लोग डी एंड एफ लोक एलिमेंट्स में पढ़ोगे, ठीक है।
चलिए फिर एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं होमवर्क, है ना, और फिर उसके बाद इस वाले सेशन को करते हैं हम लोग खत्म, ठीक है। ये वाला आपका होमवर्क है, एक आधा क्वेश्चन, ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन ये आ गया, है ना, इसमें भी आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर देना है, डन। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ऑलराइट। तो भाई ये जो पूरा चैप्टर है इसको हम लोगों ने कोशिश करी है इस गिवन टाइम फ्रेम में जितना एफिशिएंट वे हो सकता है उस एफिशिएंट वे में कवर करने की, है ना। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम हुई है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि यही टाइम पीरियड है जिसमें इस सेशन को खत्म करना था, तो उस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज इसी तरीके से किया जा सकता है, ऑलराइट। चलो फिर आप लोगों का उम्मीद करता हूं एक अच्छा आपको रिविजन मिल गया होगा जब आप लोगों ने इससे वाला सेशन पूरा देखा होगा। तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक और सेशन जिसमें हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर, टाटा बाय, लव यू ऑल।